मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है आप उठना ही चाहेंगे शाहनवाज हुसैन, क्योंकि नंबर आपके पक्ष में नहीं आ रहे हरियाणा के अंदर। शाहनवाज भाई जाता हूं कि जब मैं बैठूंगा एक घंटे बाद तब आप मुझे बधाई देंगे हरियाणा में सरकार सरकार हम बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एडवांस में बधाई तैयार रखिए। अरे भाई अभी मेरी शेष नारायण सिंह हूँ मैं, मेरी बधाई अभी डबल में स्वीकार कर लीजिए। लेकिन आपको एक अच्छा एक बड़ी खबर दे रहे हैं, शाहनवाज जी हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। इस बीच आप हमसे बात कर रहे थे, खबर हमारे पास ये आ रही है कि बीजेपी ने प्रकाश सिंह बादल को जिम्मेदारी दी है जेजेपी से बात करने के लिए, क्योंकि अकाली दल का वहां गठबंधन था तो प्रकाश सिंह बादल से कहा गया है कि जेजेपी से बात करें, यानी कि आपको जरूरत पड़ गई जेजेपी की। शाहनवाज जी प्रकाश सिंह बादल कर सकते मध्यस्थता, यही कहानी है। इन इंडिया पर फिर बैठूंगा और आप सरकार बनाने की बधाई मुझे देंगे ये विश्वास के साथ उठ रहा हूँ। मेरे दूसरे तर्जमान यहाँ बैठेंगे, सरकार आप बनाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है बनाएंगे जी जेजेपी के साथ या अकेले की सरकार बननी तय है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नतीजे आने दीजिए ना। चलिए प्रकाश सिंह बादल मध्यस्थता कर सकते हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित हमें बता रहे हैं इस खबर के बारे में। मोहित क्या खबर आ रही है, प्रकाश सिंह बादल को जिम्मेदारी दी गई है? देखिए प्रकाश सिंह बादल को दुष्यंत चौटाला अपने दादा की तरह मानते हैं। देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल के आपस में जो परिवारों के बीच भाई की तरह संबंध है उसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। और हमारे पास पुख्ता जानकारी है बीजेपी के हरियाणा के जो हमारे सूत्र है उनके हवाले से कि केंद्र में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं प्रकाश सिंह बादल को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीच में पड़े और समझाया जाए दुष्यंत चौटाला को, सारी स्थिति समझाई जाए और उनको जो उनके पिता अभय माफ कीजिएगा उनके पिता अजय चौटाला जो जेल में बंद है उसके लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है ये बात प्रकाश सिंह बादल उनको समझाएं और कोशिश करें कि बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला आए और उनके जो भी विधायक अभी लीड कर रहे हैं जिनकी संख्या 7 से 8 बताई जा रही है अगर वो परिणाम सही होते हैं तो 10 में लीड करें, यानी बीजेपी को जरूरत पड़ रही है दुष्यंत चौटाला की। बीजेपी का 75 पार का आंकड़ा फेल हो गया हरियाणा के अंदर, यह पक्का है। मनोहर लाल खट्टर अपने दम पर सरकार फिलहाल नहीं बना रहे ये फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अमीश रणदीप सुरजेवाला आगे हो गए हैं, रणदीप सुरजेवाला आगे हो गए कांग्रेस के 293 वोट से आगे हो गए 3 राउंड के बाद आगे हो गए हैं। कांग्रेस का नंबर 34 पहुंच गया है, कांग्रेस टक्कर में, हरियाणा में कांग्रेस टक्कर में है। कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है हरियाणा के अंदर, जो आकलन लगाया जा रहा था खराब प्रदर्शन होगा। भूपिंदर हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन हरियाणा के अंदर, नाको चने चबवा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, फिलहाल की बड़ी खबर वो है। लेकिन ये आंकड़े बदल रहे हैं, निरंतर बदल रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ है, उनके पास भी मैं चलूंगा, लेकिन रामकृपाल सिंह योर टेक। हरियाणा में देखिए जो भी हुआ है ये अप्रत्याशित है बीजेपी के लिहाज से, बाकी तो प्रत्याशित है, एक चैनल ने तो कहा ही था इस तरह से। लेकिन निश्चित तौर पर जो यह है हुड्डा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, उनके आने के बाद से स्थितियां बहुत बदली हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हुड्डा कह रहे थे कि आप आने दो, पचहत्तर का आंकड़ा फेल हो गया, सरकार बनाने के हरियाणा में लाले पड़ गए, जेजेपी के साथ बात करनी पड़ेगी, मान मनोवल करना पड़ेगा, क्या करिएगा आप? प्रकाश सिंह बादल की जिम्मेदारी है हमारी जानकारी ये बता रही है। नहीं देखिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, अभी बहुत जल्दीबाजी है कुछ भी कहना, लेकिन ये भी एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति पाति पंथ संप्रदाय के हुड्डा के यहाँ पर हम आपको विजुअल दिखा सकते हैं, 34 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है, 37 में बीजेपी है, टक्कर दिया भूपिंदर हुड्डा ने अपने दम पर टक्कर दिया हरियाणा के अंदर, कुछ नहीं बोल रहे भूपिंदर हुड्डा मीडिया के सामने। और भूपेंद्र हुड्डा अभी के सामने माइक है, भूपेंद्र हुड्डा अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ये आंकड़ा और थोड़ा कांग्रेस के पक्ष में जाए, उनके समर्थक वहां पर जोश में। उधर बड़ी खबर महाराष्ट्र से, रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है महाराष्ट्र में। लेकिन
बीजेपी और शिवसेना ने मिला के छुआ है। अकेले दम पर बीजेपी नहीं छुपा रही है, 267 रुझान आ चुके हैं 288 में से, और जो आकलन था कि बहुत बड़ा स्वीप होने वाला है महाराष्ट्र में भी उतना बड़ा स्वीप नहीं है, बहुत आगे है एनडीए यूपीए से। देखिए हुड्डा साहब कुछ नहीं बोल रहे, तमाम चैनल्स का जवाब रहा है, उपेंद्र हुड्डा शांत है, कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि अब सब जानते हैं कि सबको जरूरत है जे जे पी की चाबी, चाबी की जरूरत है सबको इस ताले को खोलने के लिए, हरियाणा की सरकार बनाने के लिए जो ताला है उसकी चाबी चाबी के पास है। जी हाँ, चाबी चुनाव चिन्ह था जेजेपी का और चाबी के पास 10 सीटों पर बढ़त है, ये 10 सीटें बहुत अहम हो सकती है। बार बार बोले थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास है, सरकार का ताला हम ही खोलेंगे। अनुराग, अनुराग बताइए। जी जी अनुराग, क्या अपडेट है? देखिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी है, दुष्यंत चौटाला 6000 वोट से आगे चल रहे हैं, 3 राउंड हुए लगभग अभी, और 6000 वोट से आगे चलने का मतलब है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बड़े जाट लेता है उनकी पत्नी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, वो हार रही हैं, तो इसका सीधा मतलब ये, इसको ट्रेंड में अगर कन्वर्ट करें जेजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के साथ जाना, क्योंकि जाट एंटी वोट कर रहे हैं बीजेपी के, और इसी वजह से जेजेपी जाइंट किलर साबित हो रही है दोनों सीट्स पर, सुभाष बराला की सीट पर भी। आप कह रहे हैं कि जेजेपी को बीजेपी के साथ जाना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि जेजेपी का जो जनरल खट्टर को सीएम बनाने में दिक्कत हो जाएगी ना, मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाने में दिक्कत हो जाएगी, और जनाधार जो है, जो जनाधार है जेजेपी का वो एंटी बीजेपी चल रहा है। बिल्कुल ये दिक्कत विजय चोरकर शास्त्री आप लोगों को आ सकती है, अगर कांग्रेस और जेजेपी मिल जाती है तो सरकार उनकी बनना तय है। देखिए अभी तो तीसरे राउंड का ही चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं आएगी, हमारी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय राजनीति से जाति पाति पंथ संप्रदाय इसका खेल अब समाप्त हो चुका है। भारत की राजनीति बड़ी मुश्किल से विकास के इस समय आपसे महत्वपूर्ण जेजेपी है, बीजेपी से महत्वपूर्ण इस समय जेजेपी है, सत्ता की चाबी उनके पास है। अजय जी मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए ये अभी कोई बहुत इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा, हम तो कह रहे हैं कि अभी भी आप रिजल्ट्स बदलेंगे हम लोग और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लोगों को हमारे साथ आने की जरूरत होगी, हमें किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब बताइए, अब की बार 75 पार से आप 10 सीटों पर बढ़त है, आपकी 10 सीटों पर बढ़त है, यानी आपको, आप खुद तो सरकार बनाते हुए अभी दिख नहीं रहे इन आंकड़ों को देखते हुए, आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी या आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, उल्टा भी होता है। मतलब नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मदद आप कह रहे हैं करनी पड़ेगी वाली सिचुएशन नहीं आएगी, सिचुएशन लेनी तो पड़ेगी नहीं, अभी देखिए इस बार अब तो लेनी तो अगले आप भी लॉजिकल हमारे स्क्रीन पर है, अभी तीसरा ही राउंड तो है यार, अभी रिजल्ट्स आने दीजिए, राउंड बढ़ने दीजिए और बेटर पोजीशन होगी। कितनी बेटर हो जाएगी, 10 से भी कितनी बेटर हो जाएगी, 46 तो नहीं पहुंचती दिख रही है, आपको मदद तो लेनी पड़ेगी, तो किसकी मदद लेना पसंद करेंगे आप? नहीं इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, तो विधायक जो चुन करके आएंगे वो बैठ करके निर्णय करेंगे इस बारे में। नहीं आंकड़ा ये सीधा काउंटिंग सेंटर से आ रहा है, अभी आप 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं, किसी न किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए लोकतंत्र के अंदर विधायक जो चुन करके आएंगे वो अपना निर्णय लेंगे, जो विधायक चुन करके आएंगे उनके साथ बैठ करके मंत्रणा होगी और उसके बाद कुछ डिसाइड कर। अच्छा इतना आप मानेंगे कि आपका जो जनाधार है, जो आपको जनाधार मिल रहा है और जो जिस वजह से आपकी बढ़त है, वो जनाधार कांग्रेस के खिलाफ वाला जनाधार है या बीजेपी के खिलाफ वाला जनाधार है? देखिए हरियाणा प्रदेश के लोग भाजपा से नाराज थे और उन्होंने 10 साल कांग्रेस का भी शासन देखा, उनसे भी वो बहुत खुश नहीं थे। अब आपको एक चूज करना पड़ेगा ना, बीजेपी या कांग्रेस? आपने पूरा प्रचार बीजेपी के खिलाफ किया है। नहीं तो बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं जो 5 साल आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। नहीं अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, अभी क्योंकि खबर आ रही है प्रकाश सिंह बादल को जिम्मेदारी वेट एंड वॉच है। नहीं वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच यानी अभी अपने पत्ते ये भी नहीं खोलना चाहते, कोई नहीं खोलना चाहता, खोलना चाहते। अब बीजेपी कह रही है कि उन्हें जेजेपी की जरूरत है ही नहीं, उनको वो खुद ही बना लेंगे सरकार। अब इतने आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप अभी भी चोनकर शास्त्री कह रहे हैं कि हमें जेजेपी की आवश्यकता ही नहीं है, आप समर्थन मांग ही नहीं रहे, तो फिर प्रकाश सिंह बादल को आपने क्यों लगा रखा है? बात नहीं है प्रकाश सिंह बादल जी को या ऐसे लोगों को, अभी तो ये बहुत तीसरे राउंड का चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हमने काम किया, हमने जनता के समस्याओं को रिट्रेस किया है। क्या उम्मीद नहीं है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है? नहीं चित भी मेरी पट भी मेरा नहीं हो सकता ना सर।
शास्त्री जी जी, सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र में आपको उम्मीद है कि आपकी सरकार बन रही है तीसरे राउंड के बाद, हरियाणा में उम्मीद नहीं है आपके पास? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? हर जगह हम बेहतरीन काम किए, हमारे कार्यकर्ताओं ने जम करके और डट करके काम किया है। हम हर दोनों जगह अपनी सरकार बना रहे हैं, फुल मेजोरिटी की हमारी सरकारें बनेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं, लेकिन अटक गया मामला। अनुराग के पास एक अपडेट है। अनुराग, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए। अमीश देखिए, अभी अंबाला की दो सीट से मुलाना और नारायणगढ़ दोनों से कांग्रेस आगे चल रही है, तो विज साहब का जो गढ़ है, अनिल विज जी का जो गढ़ है, वहां पर भी कांग्रेस बराबर टक्कर दे रही है। कालका में, पंचकुला कालका में कांग्रेस आगे हो गई है दोबारा से। अब आपको समझ आया, वो टी पॉइंट पे भी नहीं गाना गा रहे थे, अपने घर पे भी नहीं गाना गा रहे थे, गाना गाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर पेज जो है बिल्कुल फंस गया है। अच्छा, एक 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 दिलचस्प बात यह भी है कि 34 कांग्रेस के और 10 जेजेपी के मिला के भी कुछ और जरूरत पड़ेगी, वो भी अन्य जो है 19। देखिए, उनमें से भी कुछ महाराष्ट्र में लगभग तय है कि बीजेपी सेना की सरकार बनेगी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को जो उम्मीद थी। मोहित मल्होत्रा बुला रहे, मोहित क्या अपडेट है, मोहित बताइए। मोहित के पास बड़ी खबर है जी, मोहित बताइए। बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा की राजनीति को बिल्कुल उलट कर रखने वाली कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत चौटाला को ऑफर दे दिया गया है कि अगर आप सीएम पद की रेस में रहना चाहते हैं तो हम आपको समर्थन देंगे। यानी किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना चाहती है हरियाणा में कांग्रेस। चौटाला को सीएम बनाने पर कांग्रेस राजी हो रही है, ये बड़ी खबर। ये एक और कुमारस्वामी केस है। विक्रांत यादव के पास अपडेट है। विक्रांत यादव के साथ अनिल जैन है, प्रभारी बीजेपी के। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा है। विक्रांत यादव, अनिल जैन को बताइए, वो बीजेपी हेडक्वार्टर में है। लेकिन बिल्कुल अब अपडेट ये है कि कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला को हमारे साथ अनिल जैन है जो प्रभारी भी है कि कांग्रेस दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनने का न्योता दे रही है कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको समर्थन देंगे। तो एक और कर्नाटक होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी अभी रुझान आ रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अभी बहुत आगे उलटफेर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। मेरी 90 की 90 सीटों पर नजर है और मेरी इंटरनल रिपोर्टिंग में अभी कहीं से ये सूरत नहीं आ रही है कि वो दोनों मिलके भी बना पाए। अनिल जी देखिए, आप कह रहे थे 75 पार, और इस समय जो आंकड़ा आ रहा है यहाँ पर वो साफ दिखा रहा है कि आप दोनों एकदम, कांग्रेस 33 पे आ गई है, बीजेपी 38 पर आ गई है। देखिए शायद आंकड़े, जब उद्देश्य हमेशा बड़ा रखकर ही लड़ाई लड़ी जाती है, छोटे उद्देश्य वाले तो रहते ही नहीं मैदान में। अनिल जैन उद्देश्य के साथ हरियाणा के प्रभारी हैं, अमित शाह के कॉन्फिडेंट हैं। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है कि बीजेपी दुष्यंत चौटाला को क्या ऑफर देने की तैयारी कर रही है या करेगी अगर मौका मिलता है, क्योंकि नंबर आप पीछे है बीजेपी का इस समय। अनिल विक्रांत, ये मेरा सवाल है अनिल जैन से। जी जी जी, अमीश इस स्टूडियो से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री बनने का न्योता दे दिया है कि आप बनिए मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को, बीजेपी को जरूरत पड़ी तो क्या न्योता उन्हें देंगे, क्या ऑफर उनके लिए है? देखिए, बीजेपी इस तरह के गिमिक में विश्वास नहीं करती है। हम अपने, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट अपॉन, लेकिन मैं निश्चित कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। किसी भी सूरत में किसी से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, हरियाणा में पहले हमारे, जब हम 4 से 47 लाए थे तब भी मैं हरियाणा देखता था, और मैं ये बता रहा हूँ, हरियाणा हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है। हमने अपनी जगह बनाई वहाँ हरियाणा में, और जगह बनाकर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम लेकर आए हैं। अभी मैं आपको तय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनेगी। लेकिन अनिल जी, एक आखिरी सवाल केवल, कि कांग्रेस जो जिस तरीके से आंकड़ों में अभी इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, कांग्रेस आप क्या इसके पीछे कारण समझते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है ना, ये चुनाव है, कई बार चुनावी गणित में जनता में तमाम तरह की बातें रहती हैं। मैं उसका अभी, आपके जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आएगा उसका खुलासा नहीं करूंगा, उस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमीश, अनिल जैन थे हरियाणा जी। विक्रांत, अनुराग के पास अपडेट है, किशोर अनुराग जी। अनुराग जैन जी से ये पूछना चाहिए कि टिकटें गलत बांटने का जो आरोप लग रहा था बीजेपी पर, अनिल जैन जी का उसमें रोल था टिकट बांटने में, वो गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि बीजेपी के बागी जीत रहे हैं कई।
जी जा, बीजेपी के बागियों ने बीजेपी के बागी हैं 8 के करीब। जी हाँ, उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है। तो अभी 38-32 6 का डिफरेंस चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा के 90 के 90 रुझानों में। ना 32 पे कांग्रेस बहुमत के पास है, ना 38 पे बीजेपी बहुमत के पास है। खबर यह है कि कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला को सीएम तक का ऑफर दे दिया है। अजय जी हमारे साथ जेजेपी से यहाँ मौजूद हैं। अजय जी ये बताइए कि दुष्यंत चौटाला सीएम बन जाए तब तो कांग्रेस का साथ ले ही लेंगे आप? नहीं देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, रिजल्ट आने दीजिए, एमएलए से बात करके पार्लियामेंट्री अभी आपसे बात ना करें। नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। नहीं तो अभी आपसे क्या बात करें बताओ। नहीं, आप रिजल्ट्स पे बात कीजिए। तो रिजल्ट्स पे तो बात कर रहे हैं, आपकी 10 आ गई, बीजेपी के पास 38 है, कांग्रेस के पास 32 है, आपको 4 वोट बैंक है, आप मनोहर खट्टर को सीएम बनाएंगे या भूपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे या दुष्यंत चौटाला खुद बनेंगे? 3 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा है। नहीं, दुष्यंत चौटाला जी स्वयं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ये बात मैं अब विजय सोनकर शास्त्री, मैं आपका रुख कर सकता हूँ और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जेजेपी कह रही है कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अब बताइए आपका क्या गेम कर दिया? 75 पार से विपक्ष में पहुंच गए आप, विपक्ष के नेता बन जाएंगे? यही तो आप देखिए कि कांग्रेस के कितने दिनहीन हालात इस समय है कि अच्छी पोजीशन होते हुए तो भी मुख्यमंत्री के लिए दूसरों को ऑफर कर रहे हैं। अरे दूसरा मेरा ये कहना है, आप भी अपना देखिए, आपका तो आपका तो दो ही खराब है, आपके तो दो सीटें हैं, अभी चौथे राउंड का ये चल बात करें तो वो कहां पे आप जेजेपी में अभी शामिल हो रहे हैं? खराब है शास्त्री साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कांग्रेस ने इतनी हालत तो कर दी आपकी कि आप बहुमत में नहीं आ रहे हैं, ये तो है ना। इसलिए प्रदेश की जनता को ये आभास है, ये थोड़ा समय के रहते थोड़ी उलटफेर जरूर दिखाई दे रही है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा सा और समय, घंटे डेढ़ घंटे के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा दादा जेजेपी ने हालात खराब कर दिए। जी जा, जायंट किलर साबित हो रही है जेजेपी, बीजेपी के बागी भी जीत रहे हैं। देखिए जहां तक बात है, अभी देखिए अन्य जो 20 हैं, चिंता न करें, हम बागी जीत रहे हैं, जो 8 बागी जीत रहे हैं नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आप बीजेपी के बागी में लाएंगे तो बीजेपी 46 पे पहुंच जाती है। आपकी जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें कमी रही, 8 बीजेपी के बागी चुनाव जीत रहे हैं हरियाणा के अंदर, जो जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं, उसका बड़ा नुकसान हुआ। और अनिल जैन अगर रहते तो ये सवाल उनसे पूछा जाता, क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम लोग कोई जाति पाति और पंथ को देख करके टिकट नहीं देते हैं। ये जो लोग भी इस प्रकार की बात करें या ऐसा कोई प्रयास कर रहा है, ये किताबी वो गलत फहमी में है। आप जाति पाति को वोट देकर आप टिकट नहीं दे रहे, लेकिन वोट वैसे ही पड़ गया इस बार। विकास पर रखे हैं तो उसे हम अलग हो, फिर हरियाणा के विकास मॉडल को नहीं स्वीकारा जनता ने अभी तक? नहीं, बिल्कुल स्वीकारा है। आज हम लोगों को जो इतनी अच्छी बेहतरीन पोजीशन है, इसका यही कारण है कि हरियाणा की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को स्वीकार किया है। आज भी हम नंबर 1 पर अभी चौथे राउंड में हैं। आप देखिएगा कि हमारी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बनेगी, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है जी। लेकिन बड़ी खबर ये कि जेजेपी जायंट किलर साबित हुई है। ब्रजेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रजेश सिंह क्या कहना चाहते हैं आप? What is your take, ब्रजेश सिंह? जो नंबर्स आ रहे हैं हरियाणा में बीजेपी को झटका लग रहा है, महाराष्ट्र में स्वीप है सेना बीजेपी। ब्रजेश देखिए, हमें हरियाणा में जिस तरीके से एक बड़ा उलटफेर सा दिख रहा है जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है, उसके सामने जो सो महाराष्ट्र में पिक्चर जो सो काफी रोजी है। और खासतौर पर खास अगर हम मुंबई की बात करें, ताना एनसी जो कि खुद महाराष्ट्र बीजेपी की ट्रेजर है, सेना अब इसी मुंबई से ताल्लुक रखती है। बीजेपी ने मुंबई में खासतौर पर जो जड़ें जो जमाई है और जो ट्रेंड्स उभर कर आ रहे हैं कि जो एक समय कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड होता था उसको आपने गेन किया? बिल्कुल, क्योंकि जो आपको याद है एक वक्त था जहां बीजेपी के पास 4 या 5 MLAs थे, आज हमारे पास 15 है, 15 से ज़्यादा उम्मीद है आज के दिन में। मैं मानती हूँ कि मुंबई तय करता है पूरे देश की राजनीति, तो सही मायने में जो लोकप्रियता है मोदी जी की और जो छवि है देवेंद्र जी की, वो ट्रांसलेट होता है वोट में, और वो वोट हमने आज देखा है। महाराष्ट्र बीजेपी का तो आप खजाना देखती हैं, यहां पर खजाने में आप ही रहे हैं। हरियाणा में स्थिति खराब हो गई है बीजेपी की, सरकार नहीं बन रही, बिल्कुल एक तरह से उम्मीद के खिलाफ है। नहीं, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी तीसरा चौथा राउंड में आप तय नहीं कर सकते हैं, 17 राउंड रहते हैं काउंटिंग का। हम उम्मीद से
यकीन से कह सकते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। लेकिन हरियाणा में जो रुझान है उसमें तो बहुमत के करीब आप कहीं से पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, जो कि आप पहले कहां 75 पार की बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा, ये पहले रुझान ही नहीं निकाल है, लेकिन इसमें आप तय नहीं कर सकते हैं। हार जीत का मार्जिन बहुत कम शायद हो जी, सकता जी, है, लेकिन हम मानते हैं। बड़ी अपडेट है, बड़ी अपडेट है ब्रिजेश, बड़ी अपडेट है, मुझे वापस आना पड़ेगा। बड़ी अपडेट आ रही है हरियाणा से, बड़ी अपडेट आ रही है। 38 पर बीजेपी है, 32 पे कांग्रेस है। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी सीट पर आप आगे हो गए हैं। सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं और वो लीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जेजेपी वहां पर टफ कॉम्पिटिशन दे रही है। INLD की स्थिति खराब हो गई है। जेजेपी नंबर 3 की पार्टी बन के उभरी है। मैं सीधा किशोर का रुख कर सकता हूँ बड़े नंबर्स के लिए। किशोर, क्या आप कुछ मैजिक लेकर आए हैं, एक जादू लेकर आए? मैं यहाँ देख, वो जादू क्या है बताइए। मैजिक वॉल में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहाँ जेजेपी को फायदा हो रहा है या बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो अगर 8 ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस के रेबल जेजेपी में गए हैं, तो उनमें तो नुकसान ही हुआ है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को वहां पर उनमें से 2 ही मिल रही हैं, जेजेपी को 2 मिल रही हैं और बीजेपी 4 ले गई है। तो इस तरह के हम आंकड़े देखने की यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं मैजिक वॉल में कि ये हरियाणा का केस हुआ कैसे। उधर मोहित बुला रहे हैं हमें। मोहित मल्होत्रा, क्या खबर है बताइए। मोहित बताइए क्या खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है मोहित के पास, बड़ी खबर है मोहित के पास चंडीगढ़ से। एक बिल्कुल ताजा अपडेट ये है कि अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि कांग्रेस के हुड्डा खेमे के जो लोग हैं उन्होंने अप्रोच किया था दुष्यंत चौटाला को। और एक करेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक करेक्शन ये है कि मुख्यमंत्री पद की मांग दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई है। कर्नाटका का एग्जाम्पल देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि आप जैसे कर्नाटक में कर चुके हैं वैसे आप मेरे साथ कीजिए, आप मुझे CM पद के लिए आगे रखिए तो मैं कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो सकता हूं। तो ये जो मांग की गई है वो जेजेपी की तरफ से है। कांग्रेस ने सिर्फ दुष्यंत चौटाला को साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन जो CM पद के ऑफर की बात थी अब उसमें करेक्शन है और अपडेट है कि दुष्यंत चौटाला ने मांग की है। मेरे साथ है विक्रांत यादव, मेरे साथ है विक्रांत और अरुण। बीजेपी और कांग्रेस मुझे जाना पड़ेगा, अरुण आपके पास मुझे आना पड़ेगा। अरुण, दुष्यंत चौटाला ने मांगा है कि वो CM पद कांग्रेस अगर दे तो वो हुड्डा के साथ आएंगे। हुड्डा खेमे ने उनसे संपर्क किया था। मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर बता रहे हैं। अरुण, देखिए कर्नाटक में किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और आपने देखा था कि कैसे कांग्रेस नेतृत्व ने पहले ही JD कुमार स्वामी को एक तरह से ऑफर दे दिया था कि मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। तो कांग्रेस जब से बीजेपी से मुकाबला करने में उसको किसी भी छोटे सहयोगी को भी अगर समर्थन देना पड़ सकता है, सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस की अब घोषित नीति है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो अपने से छोटे दल को भी मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं। तो अगर दुष्यंत चौटाला को ऑफर गया है, फिलर्स गए हैं, सिग्नल गए हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि किसी भी राज्य में अगर बीजेपी को रोका जा सकता है तो थोड़े कम पर भी, यानी बड़ी पार्टी होते हुए भी बड़ा दिल दिखाना पड़े तो उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूंगा कि केंद्रीय स्तर पर अभी बातचीत कुछ शुरू इसको लेकर के नहीं हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरीके से अधिकृत किया है कांग्रेस ने कि वहां 10 साल मुख्यमंत्री रहे, राजनीति को जानते हैं, हलकों को इंतजार कर रही है। गीता भट्ट, हरियाणा में क्या से क्या हो गया? 75 पार का सपना था, लेकिन या तो सरकार बनाने के लाले बढ़ गए। अगर दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस CM बना देती है तो मनोहर लाल खट्टर पूर्व CM हो जाएंगे। देखिए, जो ये कर्नाटका का मॉडल यहाँ रिपीट करने का जैसे यहाँ अटकलें लग रही हैं, तो कर्नाटक में कुमार स्वामी जी के आने के बाद उसके बाद वहाँ क्या हाल हुआ, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला। लेकिन अभी तो आपके आंसू निकलेंगे रमेश जी, लेकिन एक बात दूसरी है, आप ध्यान देखिए, आपके आंसू निकलेंगे। कोई EVM को दोष नहीं दे रहा है, लेकिन ये बात भी देखिए, आंकड़े समझते हैं किशोर, EVM पर कोई दोष नहीं है। आंकड़े अब देखिए, मैं ये आंकड़े निकाल रहा था कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 79 सीटों पर बढ़त थी, 90 में से 79 out of 90 बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, उसमें से अब सिर्फ 36 पर आगे है, 25 पर कांग्रेस आगे है। जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इन 79 में एक भी सीट नहीं थी, उनमें से 25 पर कांग्रेस आगे है इस वक्त, ये यहां हरियाणा में। और अगर हम यहां पर और फैक्टर्स देखे जाएं तो कौन सी ऐसी जगह है जैसे जहां कांग्रेस आगे हो रही है, तो अगर ग्रामीण सीटें देखी जाए, हरियाणा की जो गांव की सीटें हैं
उनका अगर आंकड़ा निकाला जाए तो ओवरऑल ग्रामीण सीटें 37 है 90 में से, उनमें से कांग्रेस 16 पर आगे है, बीजेपी 11 पर आगे है। यानी कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी पर काफी बढ़त बना रही है। जेजेपी वहां 5 पर आगे है, अन्य 4 पर आगे है, INLD 1 पर आगे है। ग्रामीण सीटों पर बीजेपी को पछाड़ती हुई कांग्रेस, जबकि शहरी सीटों का अगर इसी केस में आंकड़ा देखें, बड़े शहर जो हैं, अगर सिर्फ बड़े शहर देखे जाएंगे हरियाणा के, तो कुल बड़े शहरों की जो सीटें हैं वो 26 हैं, वहां 16 पर बीजेपी आगे, 7 पर कांग्रेस आगे। उधर दुष्यंत चौटाला नीरज के साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं पूछते हैं। नीरज, तो आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके का ऑफर मिल चुका है कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? मैं मेरी विधानसभा के रिजल्ट मॉनिटर कर रहा हूं। चलो सर, दुष्यंत, हां दो दो सवाल जल्दी लाइव। आपका तो बिल्कुल सही है। दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। यस यस यस, लाइव 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 सर, आपसे चले नीरज ना, वो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, वेट करो, लाइव लाइव बिल्कुल लाइव करिए। नीरज, आवाज आ रही है मेरी? दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दुष्यंत जी, आपने देखा किस तरीके से जो जेजेपी डबल है वो लगातार बढ़ रही हैं, आप डबल डिजिट पार करने की कंडीशन। नीरज तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये जो हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, छोटे शहरों में 27 ऐसी सीटें हैं जो छोटे शहरों की हरियाणा में, उनमें बीजेपी 11 पर आ गया है, कांग्रेस 10 पर आ गया है। तो बड़े जो शहरी इलाके हैं वहां जरूर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, लेकिन कांग्रेस ने जो रिवर्स किया है बीजेपी पर वो ग्रामीण इलाकों में किया है हरियाणा के। एक बार फिर देखिए जो ग्रामीण सीटें हैं हरियाणा की, उनका आंकड़ा क्या कहता है। ग्रामीण सीटें मैजिक बॉल बताती है, 37 सीटें हैं जहां 16 पर कांग्रेस आ गए है पिछली बार से 10 ज्यादा लेते हुए, और बीजेपी 11 पर आगे है। और बड़ी खबर ये, बड़ी बात ये कि जो आंकड़े थे 79 सीटों के लोकसभा चुनाव में, जहां 79 विधानसभा क्षेत्रों के हरियाणा में, उनमें से सिर्फ 36 पर हरियाणा में इस वक्त बीजेपी आगे है। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़ गए हैं, मैं आपको रोक रहा हूं। उधर दुष्यंत चौटाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, दुष्यंत चौटाला से पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, जिसे विपक्षी पार्टियां बच्चों की पार्टी कहती थी, वो पार्टी अब बड़ी हो गई है। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं, दावा किया था कि सत्ता की चाबी इनके हाथ में होगी। दुष्यंत जी, अब आगे क्या? अभी तो विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे किसके साथ जाना है, कौन प्रदेश के हित के लिए हमें मजबूत करें। दो महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि दोनों आपके राजनीतिक रणनीति से जुड़ा हुआ है। एक ये कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये खबरें आ रही है, और दूसरा ये कि कांग्रेस ने आपको मुख्यमंत्री पद की ऑफर दी। अगर मैं न्यूज 18 आज नीरज सिग्नल असली मौके पर सिग्नल चला गया। नीरज आवाज आ रही है? जी, हम एंकर जानना चाहते हैं कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से आपको दावेदार सरकार बनाने का या सीएम पद का ऑफर दिया जाता है तो आपकी पार्टी का रुख क्या होगा, आपका पक्ष क्या? दुष्यंत चौटाला अकेला ये निर्णय नहीं कर सकता, पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा किसके साथ जाना है। ये भी खबर कोई बता रहा है कि आप सीएम पद कांग्रेस से मांग रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है? मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, पिछले 4 घंटों से तो आपने घेरा हुआ। बिल्कुल नीरज फोन मेरे हाथ में हो, बीजेपी ने कोई कोशिश की है? अरे मैं तो आपके बीच में हूँ नीरज, प्रकाश सिंह बादल घर आया हूँ रोटी खा। नीरज, हम लोग प्रकाश सिंह बादल को जिम्मेदारी दी गई, बादल को जिम्मेदारी दी, मेरी किसी से बात किसी से बात बातचीत नहीं हुई है किशोर अभी तक। लेकिन दुष्यंत चौटाला अभी सारी नीति जो है आगे क्या होगा पूरा खोल नहीं रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी फैसला करेगी कि क्या करेगी जेजेपी आने वाले वक्त में, लेकिन किंग मेकर का जो उनका दावा था वो कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ दिख रहा है हरियाणा की सियासत में। अभी तक जो लग रहा है उसमें तो यही दिख रहा है कि जो जेजेपी है उसके बिना सरकार बन नहीं सकती हरियाणा में। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत जी, जेजेपी की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस को यहाँ पर? क्षेत्र से रिजल्ट आए हैं, केंद्र सरकार के कामकाज से गांव के लोग, ग्रामीण भारत खुश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी परिणाम आना शुरू हुआ है, 1-2 घंटे अगर और जाने दीजिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की अकेले की बहुमत की संख्या अकेले कैसे हो जाएगा? अभी तो रुझान है, अभी इनको
फैसलों में परिणामों में तब्दील होने दीजिए। नहीं, 33 से 46 तक जाना तो बहुत दूर। अदर्स भी हैं, 5-6 ऐसे हैं जो कांग्रेस के पूर्व में नेता रहे हैं, उनका समर्थन भी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अदर्स से अदर्स समर्थन के साथ समर्थन लेके सरकार बना सकती है अभी, लेकिन बीजेपी आगे 5-6 गैप है। जानकारी हमारे पास, जी जी बताइए अनुराग बताइए, इस पर जानकारी हमारे पास। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस और जेजेपी के अगर ये नंबर्स कन्वर्ट होते हैं उनके रिजल्ट में, सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि जो 6 इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं उनमें 2 बीजेपी के बागी हैं और 2 कांग्रेस के बागी भी हैं उसमें। 2 बीजेपी के बागी हैं, 2 कांग्रेस के बागी भी हैं। ये जो अभी आंकड़ा जो फंस रहा है, जेजेपी के पास चाबी जा रही है, उस पर पब्लिक क्या कह रही है? प्रतीक खड़े हैं पब्लिक के बीच। प्रतीक, महाराष्ट्र तो क्लियर है, हालांकि उतना क्लियर नहीं है जितना माना जा रहा था, लेकिन हरियाणा में तो पेच फंसा हुआ है, चाबी जेजेपी के पास दिख रही है, दुष्यंत चौटाला चाबी लेके घूम रहे हैं सरकार की, पब्लिक क्या कह रही है? प्रतीक आवाज आई? प्रतीक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। अरे महाराष्ट्र तो क्लियर हो गया, लेकिन हरियाणा में दुष्यंत चौटाला चाबी लेके घूम रहे हैं सरकार की, पब्लिक का क्या मूड है, पब्लिक क्या कह रही है इस पर? पब्लिक तो इस समय बहुत जबरदस्त हतप्रभ है, सब देख रही है कि होना क्या है, और गेस्ट जितने हैं वो सब चुप हैं, आंकड़ों की तरफ लगाए हैं निगाह, तो गेस्ट तो कोई बोल नहीं रहा, जनता भी जो है बड़ी चुप है, देख रही क्या हो सकता है। बाबूजी आप भी कुछ लग रहा है, देख रहे हैं क्या होगा हरियाणा में, कुछ हो सकता है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक, प्रतीक जी कुछ नहीं मालूम है, मालूम ना क्या होगा। हाँ जी, तो ग्रामीण तो यही है, ये खेल जो है आंकड़े फेल हैं साहब, गांव की सीटों में खेल हुआ है, गांव की सीटों में ग्रामीण सीटों में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, ये दिख रहा है हरियाणा में। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है कि जो मुद्दे थे वहां पे हरियाणा में वो बेहद महत्वपूर्ण रहे, जिनको कि अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो रिएक्शन था, जो आप सोनीपत से लेकर रोहतक खासी और वहां तक जो जाएं, वो सीटें जो हैं 14 वो सीटें जिनमें बीजेपी ने पिछली बार लीड किया था, वो सीटें, और खासतौर से जो पूरी एंटायर हरियाणा में, चाहे आप पलवल की तरफ रहे हो और चाहे पंचकूला की तरफ रहे हो, वहां से लेके वहां तक अगर रेखा खींचेंगे तो जो बातचीत, जो मेरे लगभग मैंने 13-14 शोज किए, उसमें जो जनता ने कहा, चाहे वो एग्जाम देने गए हों, बच्चे हों वहां पे, उनकी मौत का सवाल हो, चाहे किसानों का बात हो, चाहे चाहे बिजली को लेकर भी लोगों ने सवाल पूछ लिए हों, तो ये तमाम मुद्दे थे, खासतौर से रोजगार को लेकर ये तमाम सारी बातें थी जो बार बार आई। जी प्रतीक जी, हुआ ये कि जेबीटी टीचर की नियुक्ति जो हरियाणा में हुआ था उसमें भी कुछ लोग नाराज थे, स्टूडेंट के एग्जाम को लेकर हुआ कि हरियाणा में 12 मौतें हो गई, तो लोगों को रोडवेज की स्ट्राइक की बात थी, रोडवेज स्ट्राइक में ये था कि उतनी बड़ी हड़ताल कहीं चली नहीं, हरियाणा में क्या हुआ कि प्राइवेट किया गया जब रोडवेज को, तो वहां के लोगों ने विरोध किया कि भाई इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा क्या जिस तरह से जेजेपी का लिख दिख रहा है, हर मेरे शोज में लगभग वो आए, और वहां पे ये जाट वर्सेस नॉन जाट का भी मुद्दा रहा क्या इस बार? यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार मंचों से इस तरह की बातें कह गए जिसमें गैर जाट नाराज हो गए, कि आज वैसे आप देखेंगे हरियाणा में हमेशा से जाटों का प्रभाव रहा है, और सरकार फरसा वाला मुद्दा इंटायर पूरे हरियाणा में दिखाई पड़ा, पलवल से लेके पंचकूला तक। एक बार एक व्यक्ति आया और उनको मुकुट पहना रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, नहीं मैं वो उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा, उसको लेके ब्राह्मणों को ये गुस्सा आया कि भाई ये हमारा जो है प्रतीकात्मक, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं ये तमाम सारे मुद्दे रहे होंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, जनता तो इस समय सिर्फ अंदाजा लगा रही है कि जो हरियाणा में हुआ है उसका उसकी प्रतिध्वनि आने वाले चुनाव में कहां तक सुनाई पड़ेगी। एक सवाल यहां पर मैं स्टूडियो में पूछ लेता हूं, क्या ये जो कहा जा रहा था कि जाति वाली राजनीति जो है वो अब बिल्कुल पुरानी बात हो गई, क्या वो बात गलत है, अभी भी बरकरार है जो ये जाट वर्सेस नॉन जाट की बात आ रही है, आपकी राय? देखिए, भाईचारे को खराब करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जाति पर वोट होता है, देखिए वो भाईचारा कैसे खराब किया था, जाट नॉन जाट में जो बांटने का काम किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसने किया वो नहीं बात कर रहा मैं, वो कहा जा रहा था कि भाई वो जाति पे वोट नहीं होता, अब क्या क्या अभी भी जाति पे वोट हो रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए इसको ये नजदीकी से देखा जाता है। आप क्या कहेंगे जी? देखिए, लोग काम के नाम पर, विकास के नाम पर, सोच के नाम पर वोट देते हैं,
जी जी बताएं 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 अनुराग। किशोर मैं भी इसमें बोलूं। देखिए जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं किशोर, इस पर अगर हम यहाँ नंबर्स में देखते हैं, क्योंकि अब नंबर्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, बीजेपी के तमाम जाट लीडर्स जो बड़े नेता हैं वो सारे हार रहे हैं। मैं रोक रहा हूँ, वहाँ नीरज बुला रहे हैं हमें, नीरज बुला रहे हैं जींद से। जी नीरज बताइए। देखिए बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले दुष्यंत चौटाला जो अपने घर से निकले, यानी कहीं ना कहीं आगे की रणनीति पे विचार हो रहा है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है किशोर। यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से किंग मेकर का दावा किया गया था जननायक जनता पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों से बातचीत कर, बाबा क्या INLD से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनी थी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वो पूरी हो गई है जननायक जनता पार्टी। चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, उसका दूसरा रूप यही है बस, और इसने वही अख्तियार कर लिया। तो अब क्या करना चाहिए आपके नेता को, किसके साथ सरकार बनानी चाहिए? आप लोग अभी लगेगी चाप भी लगेगी, किसी के साथ लगो किशोर। किशोर चाप भी जनता ने दुष्यंत को दे दी, उसकी जो इच्छा है वहाँ ताला खोल लेगा। तो किसके साथ? कांग्रेस के साथ? ये देखिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जब भी सत्ता की आ गई दुष्यंत के पास, दुष्यंत खोल लेगा विधानसभा का ताला। सुनो सुनो, और वो कांग्रेस की या बीजेपी की मर्जी है, छल्ला जिसका मन करे बनना चाहे आ सकता है। या सीएम को भी, सीएम का ऑफर मिले अगर तुम्हें लेना चाहिए सीएम का पद, सीएम ही बनेंगे जी, लड़ाई सीएम की हमारी। दुष्यंत सिंह चौटाला भावी सीएम है, बनेंगे सीएम, सीएम बना के रहेंगे जी, सीएम बनेगा दुष्यंत, सीएम बनेगा दुष्यंत। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो हमें 200 बच्चों का तोड़ बता रहे थे, आज देख लो हरियाणा के अंदर आज करने दुष्यंत चौटाला जा रहा है, जो चाबी है छल्ला मरने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन चाबी खोलनी सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत की है। हमारे हाथ में है, छल्ला नहीं बनेंगे, चाबी बनेंगे, चाबी। दुष्यंत चौटाला को सुनते हैं, दुष्यंत चौटाला को सुनते हैं। बट व्हेन इट केम टू मनोहर लाल खट्टर ही ड्रास्टिकली फेल्ड। It is too early to say. We'll call a meeting of our all MLAs elected, decide who will be the leader in the house, and then move forward that who will take the lead. और जो जिस तरह से आपको क्या था ना जाके इस तरह से आएगा नतीजा? बहुत अच्छे रुझान है, बिल्कुल विश्वास था। एक एक साथी ने जो मेहनत 11 महीनों में करी है, आज उसका नतीजा है कि इतने मजबूती के साथ प्रदेश परिवर्तन की ओर बढ़ा है, हरियाणा बदलाव चाहता है, हरियाणा जननायक जनता पार्टी चाहता है। इधर 11 महीनों में एक बड़ी खबर ये कि पूरे रुझान आ गए, सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं, महाराष्ट्र के भी, और वहां पर अभी जो आंकड़ा दिख रहा है ये अभी भी रुझान है, ये सीटों में बदलेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर जो तस्वीर दिख रही है वो 160 NDA, 98 UPA, अन्य 30, 160 NDA यानी कि बीजेपी जो है वहां पर 100 का अपने दम पर आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, 99 पर है, और 60 शिवसेना है, 99 बीजेपी, 60 शिवसेना, अकेले दम पर जो बहुमत की भी बात हो रही थी वो भी महाराष्ट्र में पूरी नहीं हुई है। तो बीजेपी की जैसी उम्मीदें थी, बीजेपी को या जैसा लग रहा था कि बीजेपी की हवा चलेगी पूरे दोनों प्रदेशों में, वैसी नहीं चली है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी बहुमत है, अच्छी खासी बढ़त है एनडीए को, जरूर सरकार बन रही है, लेकिन अकेले दम पर बीजेपी की नहीं है। और महाराष्ट्र में ये जो खेल हुआ है ये आप देखिए, ये अगर नक्शा देखें, ये पूरा भगवा लोकसभा में था, ये यहां पर नीला जो हुआ है इस इलाके में, ये पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका है खास तौर पे, यहां पर NCP ने बड़ा जबरदस्त तरीके से रोका है बीजेपी के रथ को, ये साफ दिख रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र की 66 सीटों में 35 में UPA आगे है, 22 में NDA आगे है, यहीं पे जो है असली खेल पलटा है। इसके अलावा विदर्भ में भी जरूर चुनौती दी है, 31 और 21 का आंकड़ा है, लेकिन बड़ा खेल जो हुआ है वो पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में अगर ऑपोजिशन की बात करें तो सरकार जरूर बन रही है, अच्छी खासे बहुमत के साथ बन रही है, 146 पे बहुमत था, 160 आ रही है अभी के रुझान जो दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला इलाका जो है अगर यहां पर भी भगवा होता तब जाके वैसी स्वीप होती जैसा अनुमान जताया जा रहा था। जहां तक हरियाणा की बात है वहां तो मामला बिल्कुल फंस गया है, चाबी दुष्यंत चौटाला के पास है जिनका चुनाव चिन्ह चाबी था, और यहां दुष्यंत नागर जी हमारे साथ, दुष्यंत जी वो हम यहां पर बात हो रही थी कि चाबी जो है वो ताला खुलेगी, वो जो समर्थक हैं दुष्यंत चौटाला वो कह रहे हैं वो चाबी का छल्ला बनेगा कोई, यानी बाकी जो हैं वो ताला नहीं है,
ये चाबी और उसका छल्ला ही बनेंगे, यानी सीएम दुष्यंत चौटाला को बनाना पड़ेगा। नेता को मुख्यमंत्री से नीचे क्यों मांगेंगे, लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक रूप से अगर कोई सफल मॉडल चाहते हैं तो उनको मुख्यमंत्री के साथ संतोष करना चाहिए और जो बड़ा पार्टनर हो उसको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए। शाहनवाज जी फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी आवाज आ रही है? बहुत देर से आ रही है जी, आपकी बहुत बातें सुन रहे हैं हम, काफी ज्ञान वर्धन हुआ है मेरा। सॉरी मेरे को मैं सोच रहा था आप अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। नहीं जी, आपका आपका सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है न्यूज 18 का, एकदम टाइम से कनेक्टेड हूँ मैं। अच्छा तो अब ये बताइए, मैं तो आपसे बहुत देर से बात करना चाह रहा था क्योंकि आप कह रहे थे जब मैं लौटूंगा। बहुत देर से सुन रहा हूँ, मुझे सुनने में मजा आ रहा है। मैं नहीं, मुझे ये बताइए, अभी तो सुनने में मजा आएगा शाहनवाजी, थोड़ा हरियाणा में मामला दिक्कत पे फंस गया। आप कह रहे थे आप लौटेंगे तो बहुमत आ जाएगा, अभी तक नहीं आया, वही 37-33 पे गाड़ी अटकी हुई है और चाबी जो है वो कह रही है चाबी का छल्ला बनना पड़ेगा। ये तो नहीं है ना, मैं अगर लौटा हूँ तो ये विश्वास के साथ लौटा हूँ कि अभी भी हम 37 दिखा रहे हैं, पीछे नहीं है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसका होना तो उल्टा था ना, ये 75 होना था, आप तो 73-75 की बात कर रहे थे। जी ये सही है, ये अमित जी आपकी बात सही है कि कल भी मैं आपके साथ था, कल भी विश्वास था कि हम जाएंगे इस, लेकिन जनता का मिजाज है, जनता ने 75 पार का हमारा नारा जो था उस पर हम नहीं खड़े उतर पाए हैं। लेकिन ये सही है कि हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश मत रखिए। बिल्कुल नहीं, तो फिर आपकी जेजेपी से बात हो रही है, आप तो बड़े प्रभावी नेता हैं, बड़े नेता हैं, सेंट्रल कमेटी के भी मेंबर हैं जिसके बड़े कुछ ही लोग मेंबर होते हैं, तो क्या जेजेपी को ऑफर कर रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको, मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि उनकी शर्तों की मनोहर लाल खट्टर सीएम नहीं बनेंगे। अभी किसी को ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता का ऑफर है कि हम सरकार बनाए। नहीं, जनता को ऑफर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। आपसे डिफरेंशिएट करूंगा इस मुद्दे पर, जनता का ऑफर ये नहीं दिखाई दे रहा। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ है, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला हमारे साथ है, इस समय हम अपने रिपोर्टर के पास सीधा चल सकते हैं। ओवर टू यू। कहती थी वो पार्टी अब बड़ी हो गई है, दुष्यंत चौटाला हमारे साथ है और इन्होंने कल ही दावा किया था कि सत्ता की चाबी इनके हाथ में होगी। दुष्यंत जी अब आगे क्या? अभी तो विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे किसके साथ जाना है, कौन प्रदेश के हित के लिए हमें मजबूत करे। दो महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि दोनों आपके राजनीतिक रणनीति से जुड़ा हुआ है। एक ये कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये खबरें आ रही है, और दूसरा ये कि कांग्रेस ने आपको मुख्यमंत्री पद की ऑफर दी। अगर मैं न्यूज 18 आज तक के बीच में डिवाइड हो जाऊंगा तो फिर कैसे निर्णय लिया जाए? नहीं, डिवाइड होने की बात नहीं, आपके पार्टी की भविष्य का मसला। ये फैसला पार्टी संगठन पे छोड़ा है, एक बार पहले विधायकों के नंबर तो फाइनल आने दीजिए, उसके बाद निर्णय होगा किसके साथ। लेकिन आप एक और सवाल न्यूज रूम से एंकर जानना चाहते हैं, किशोर जी हमारे एंकर जानना चाहते हैं कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से आपको दावेदार सरकार बनाने का या सीएम पद का ऑफर दिया जाता है तो आपकी पार्टी का रुख क्या होगा, आपका पक्ष? जी 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 जी, चौटाला अकेला ये निर्णय नहीं कर सकता। किसे समर्थन देंगे इसका फैसला पार्टी लेगी। दुष्यंत चौटाला वहां है, दुष्यंत नागर यहां है। दुष्यंत नागर, पीटीवी कांग्रेस ने बीजेपी को तो रोक दिया, पीट दिया। मुझे इस पे हरियाणा के अंदर सख्त आपत्ति है, कांग्रेस कभी नहीं पिटी, कांग्रेस जनता की पार्टी है, जनता की आवाज है और जनता की आवाज कभी पिटती नहीं है। पिटे वो लोग हैं जिन्होंने झूठा नैरेटिव तैयार किया, फर्जी बातें की, दिखावे की राजनीति की, उनको लोगों ने आईना दिखा दिया। जीत हार है वो लोकतंत्र में जनता तय करती है, जनता ने अपना फैसला आज सुना दिया। जी जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी एक्चुअल नंबर्स आना बाकी हैं। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की स्थिति खराब है, हालांकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। 31 पे कांग्रेस है, कांग्रेस भी सरकार बनाने से कोसों दूर है, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ है, जो उम्मीद थी एक तरह से 75 पार की वो बहुमत से भी बहुत दूर इस समय बीजेपी खड़ी है, जो यथास्थिति है इस समय भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा के इलेक्शन की। महाराष्ट्र के नंबर की बात करेंगे, भगवा 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 हर तरफ है, एनडीए 158, यूपीए के पास 98, अन्य के पास 32। मेरे साथ कांग्रेस की नेता हैं हरियाणा की, मैं दीपा उनका रुख कर सकता हूं। बताइए मैडम, क्या आपको रंजीता मेहता मैं आपका रुख करता हूं, आप मुझे बताइए कि आखिरकार आप सरकार गैप बढ़ गया है
अब बीजेपी का गैप और बढ़ गया, 36-32 चार सीटें दूर कांग्रेस बीजेपी से। रंजीता मेहता, देखिए मेरा ये मानना है जहां पर 75 पार के दावे और वादे किए जा रहे थे वो आज यमुना और घग्गर पार होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं 14 विधायकों की टिकटें तो उन्होंने खुद ही काटी, और आज जितने भी बड़े मंत्री के पद हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो सभी पीछे चल रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा की जनता भाजपा को नकार चुकी है, और वो जो नए चेहरे ये लेकर आए थे उन पर दाव खेलना चाहती थी, पर वो दाव नहीं खेला जा सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी बड़े चेहरे थे उनकी जमीनी बड़ी खबर। अमित शाह ने अपना ग्रेटर नोएडा का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आईटीबीपी के कार्यक्रम में उन्होंने जाना था, वो इस समय हमारे रिपोर्टर की खबर है, हमारे संवाददाता की खबर है, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यानी बीजेपी में चिंता बढ़ती हुई, और खबर यह है कांग्रेस कह रही है हर हाल में हम अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है तैयार है, भूपिंदर सिंह हुड्डा को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, और खबर यह है कि कांग्रेस कह रही है हर हाल में हम सरकार बना ले जाएंगे, हरियाणा के अंदर बीजेपी को दूर कर लेंगे। शाहनवाज हुसैन, क्या हो गया आपके साथ? हरियाणा में स्थिति खराब हो गई, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 20 दिन पहले आकर आपको मुश्किल में डाल दिया है। अरे भूपिंदर सिंह हुड्डा तो बहुत साल से, 20 दिन क्या, वो तो 40 साल से कांग्रेस में है, 50 साल से उनका पूरा परिवार ही कांग्रेस में था, वो थोड़ी नए आए कांग्रेस में। लेकिन बात यह है कि लड़ाई हुई है हरियाणा में, हरियाणा का आकलन हम लोग करेंगे। ये सही है कि अभी भी हम आगे हैं और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम वहाँ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक मुझे नहीं लगता है। हरियाणा की जनता ने पिछली बार भी हमें जो सीटें मिली थी वो बहुमत के हम पार गए थे, लेकिन हरियाणा में इतना अच्छा काम हुआ था, हमें पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा की जनता हमें 75 पार करेगी, बहुमत देगी। लेकिन अभी भी जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अभी भी अमित जी कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, इसमें जी, कोई जी, शक जी। नहीं है मुझे। मेरे साथ इस समय सचिन अहीर हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं, वो इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। सचिन अहीर, महाराष्ट्र के अंदर सेना और बीजेपी के जो गठबंधन है वो मेजॉरिटी के पार चला गया है, वो अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन हरियाणा की स्थिति है कि सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री चुनाव हार रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे चुनाव इस समय हार रहे हैं हरियाणा के अंदर, ये बड़ी खबर है। रणदीप सुरजेवाला अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, कांटे की टक्कर 37-31। शाहनवाज हुसैन जी, ये सही है कि हमारे कई नेता पीछे चल रहे हैं और हमारे जो कई मंत्री पीछे चल रहे हैं, लेकिन आपका जो आंकड़ा अभी आपके स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है 37-31 का, तो ये 37 में हमें 37 से 46 जाना है, और अभी भी हमें उम्मीद है कि कई सीटों पर सफर कठिन है, तो है लेकिन वो सफर दूर है, उतना स्मूथ नहीं है, उतना केक वॉक नहीं दिख रहा, ये बात मैं मानता हूं अमीश जी आपकी, लेकिन 37 से 46 जाना कांग्रेस का रिएक्शन आ रहा है, पवन खेड़ा का रिएक्शन आ रहा है। चारों हुसैन को मैं रोकना चाहूंगा, पवन खेड़ा सरकार बनाने की कवायद को लेकर एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। Let that situation come first. We are very confident, as I said, that we'll be in a position to form the government on our own. Okay. We are very confident, हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। सचिन अहीर मेरे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी और सेना ने क्लीन स्वीप करी है, 160 पर एनडीए समय खड़ा हुआ है। शिवसेना नंबर दो की पार्टी है, एक समय पर एनसीपी के साथ तगड़ी लड़ाई चली जिसमें शिवसेना और एनसीपी की बराबर बराबर की सीटें थी, एनसीपी आगे भी हो गई थी, लेकिन बीजेपी और सेना ने क्लीन स्वीप करी है महाराष्ट्र के अंदर। और मुंबई ठाणे के अंदर तो एनसीपी और कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 8 सीटें हैं, 42 पे अब बीजेपी और सेना आई हैं, अन्य के खाते में 4 हैं। मैं सीधा सचिन अहीर का रुख करता हूं। सचिन अहीर, आप बड़ी जीत की तरफ सेना और बीजेपी का गठबंधन बढ़ रहा है। यस, बहुत ही खुशी की बात है, और जिस तरह से जो गठबंधन के जो हालात थे और जो हमने भी 2 कदम पीछे रुककर सीटें कम लेकर भी हमने ये समझा कि भाई महायुति का गठबंधन ही
हम लोगों को ये आगे के काल में पोषक होगा और लोगों में जाने के वक्त हम अलग अलग न जाते हुए साथ में जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से हम लोगों ने साथ में महायुति की थी उसी तरह से ही महायुति का गठबंधन लोगों में जाकर लोगों में जो गए साल पाँच साल किए हुए जो काम है और आगे हम क्या करना चाहते हैं ये पहल करने की काम की गई। और इसमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी का साथ रहा, उन्होंने जिस तरह से लोगों के विचार रखे और सरकार में रहने के बावजूद भी एक विपक्ष की भूमिका लेकर जहां सरकार सही कर रहा है तो उसकी तारीफ की, जहां अगर सरकार तो क्योंकि आप तो जब आदित्य ठाकरे का कैंपेन चल रहा था तो आप और प्रियंका चतुर्वेदी हर वक्त उनके साथ रहते थे, बड़ी से वो चुनाव लड़े और लगभग लगभग जीत भी रहे हैं, बड़ी जीत उनकी हो रही है। एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि बड़े रोल में उद्धव ठाकरे दिखेंगे, तो क्या हम मुख्यमंत्री उन्हें देखेंगे? अब महाराष्ट्र से परिणीति शिंदे, सुशील कुमार शिंदे की पुत्री पीछे चल रही है। सचिन अहिर, जरूर जरूर, हमारे जैसे सभी नौजवान और पार्टी के सभी शिवसैनिक यही सोचते हैं कि वो एक बहुत ही अहम भूमिका में रहे, लेकिन ये इसका निर्णय और इसका उत्तर आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ही दे सकते हैं। लेकिन जरूर जिस तरह से जन आशीर्वाद के माध्यम से, युवा संवाद के माध्यम से, प्रथमती के माध्यम से आदित्य जी ने जो गए तीन चार महीनों से जो लगातार सिर्फ चुनाव को सामने रखते हुए नहीं लेकिन लोगों के इश्यूज़ को समझने का काम किया, ड्राउट की सिचुएशन थी वहाँ शिवसेना पहुँची, जहाँ फ्लड रिलीफ की बात थी शिवसाहय के माध्यम से वहाँ पे शिवसेना पहुँची, तो सरकार के पहले भी पार्टी बोलकर हम लोगों ने लोगों तक पहुँचने का काम किया। और 2012 साल से तो लगातार उनका जनसंपर्क विभिन्न विभिन्न राज्यों में रहा है। जी सचिन, जी सचिन, हम सब महत्वाकांक्षी के बहुत सचिन सचिन, लेकिन हरियाणा पे बड़ा अपडेट है, हरियाणा पे बड़ा अपडेट है। वहां पर कांग्रेस पार्टी हर संभव कवायद कर रही है सरकार बनाने की, और हर संभव कवायद है कांग्रेस की कि वो उनकी सरकार बने। प्रतीक त्रिवेदी हमारे साथ हैं अभी तक के रुझानों पर जनता का मूड बताने के लिए। प्रतीक जी, देखिए जो महाराष्ट्र की आप चर्चा कर रहे थे, जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर सांगली वाला इलाका जहाँ पे बात करते, बाढ़ आई वहाँ पे लोग नाराज थे, परेशान थे। महाराष्ट्र का कॉपरेटिव, शुगर कॉपरेटिव का वो इलाका है, कुछ इलाके चुनाव से ठीक पहले यानी डेढ़ दो साल पहले कुछ लोगों ने एनसीपी कांग्रेस से शिफ्ट भी किया और बीजेपी की तरफ आए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा उस इलाके से दिखाई नहीं देता, मराठवाड़ा का वो इलाका। और जो सबसे बड़ी बात थी वो एनसीपी के जो लीडर यानी शरद पवार, उनके सर्वाइवल का भी ये चुनाव था। तो इस तमाम सारे मुद्दों पे महाराष्ट्र में चीज़ें दिखाई दे रही थी। आप अगर आप भी वहाँ पे चुनाव के समय थे मौजूद थे कैंपेन के समय में, तो ये तमाम सारा जो बातें थी वो लगातार सुनाई पड़ी थी। और हरियाणा में मुद्दे बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे सुनाई पड़ रहे थे, वो शायद कहीं ना कहीं चुनाव में दिखाई दिए। लेकिन 75 को जो नारा था बीजेपी के लीडर्स जब आते थे प्रोग्राम्स में, तो ये खुद ही कहने लगे थे कि जो 75 का नारा वाला का जो ये नारा है इसको प्लीज़ अब मत बोलिएगा, या ये सवाल अब नहीं है, अब तो ये है कि 50, 55, 60 के आसपास कहीं दिखाई पड़े, तो ये सवाल वो खुद ही कहने लगे थे। और कहीं ना कहीं चुनाव की नीरज के पास बड़ा अपडेट है, नीरज के पास बड़ा अपडेट है, वो दुष्यंत चौटाला के घर पे मौजूद है, बड़ा अपडेट है, सीधा उनका रुख कर तो भव्य स्वागत हो रहा है दुष्यंत चौटाला का। जेजेपी के पास सत्ता की चाबी है इस समय। नीरज, भव्य स्वागत दुष्यंत चौटाला का अपने घर पर, अपने कार्यालय में। मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुला लिया गया है, ये इस समय की बड़ी खबर है। मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी की स्थिति उतनी बेहतर हरियाणा में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कई बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक वो चेहरा जो भरोसे का चेहरा बना, उनकी अगुवाई में बड़ी जीत बीजेपी की हो रही है। नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, दिल्ली में आपने नरेंद्र को बिठाया और मुंबई में देवेंद्र को बिठाइए, उसकी बड़ी जीत हो रही है। हम देख सकते हैं 160 सीटों के साथ सेना और बीजेपी है। आप क्या कह रहे हैं? इतनी है, 122 सीटें थी, घट के अभी 97 पे लीड चल रही है। नहीं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, 160 सीटें के करीब आ रही है, तो बड़ी जीत मानेंगे तो क्या अब माना जाए कि कांग्रेस की बड़ी जीत है या एनसीपी की बड़ी जीत है? हरियाणा के अंदर हमें फैक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस मजबूती के साथ कांग्रेस को चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि
मुंबई थाने जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वहां स्थिति सबसे खराब है। अगर वहां की सीटें 15 भी होती 20 भी होती तो स्थिति यहां पर कुछ और होती। देखिए जीत उस भाजपा की जीत जो भाजपा मतलब राष्ट्रवाद को बेच रही थी 370 को बेचने की कोशिश कर रही थी तो उसकी हार है। और उस एक आम आदमी की जिसमें कांग्रेस या एनसीपी ने उस आम आदमी की बात आवाज़ उठाने की कोशिश किया कि आपको इस भारत माता के साथ राष्ट्रवाद के साथ पेट में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों को आत्महत्या रोकना है, तो उन सब चीजों की जीत है। और भाजपा का जो झूठ चल रहा था अमिताभ सिन्हा का मैं रुक कर सकता हूँ, सीधा हमारे संवाददाता है अमिताभ सिन्हा, मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुला लिया गया है, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, ये जो नतीजे जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखकर सरकार अब आगे की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है। अमित शाह ने अपनी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिया है, वो भी पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे, जेपी नड्डा भी पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और आगे की मुद्दों पर बहस होगा, चर्चा करेंगे पार्टी आलाकमान, और खट्टर को इसीलिए दिल्ली बुलाया गया है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, प्रधानमंत्री जब 4:30 बजे वाराणसी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे उसी समय हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर बोलेंगे। लेकिन फिलहाल अमित शाह और नड्डा हरियाणा की आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयारी में लग गए हैं। और आज संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं होगी अमित, आज संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं होगी, ये बड़ी खबर है। अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हो गया जैसे अमिताभ सिन्हा बता रहे हैं। सीधा मैं रुक करना चाहता हूँ दुष्यंत नागर, आपका छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी वो बोले थे कि राष्ट्रवाद की चाशनी में, उनकी बात है साहब, मैं राष्ट्रवाद पे कोई कमेंट्स नहीं करता। रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में थोड़ी सरकार के कामकाज को लेकर, वो भी आर्थिक स्थिति को लेकर नाराजगी है, वो इस चुनाव के परिणामों में परिलक्षित हुआ है। इस ओर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, वरना ये चीजें जिस तरह से अर्थव्यवस्था में परेशानी है, लोगों को, आम लोगों को जीवन जीने में कठिनाई। मनोहर लाल खट्टर को फटकार लगाई है कि ये क्या करवा दिया आपने, मनोहर लाल खट्टर को अमित शाह ने फटकार लगाई है। हमारे संवाददाता ये खबर दे रहे हैं इस समय, मनोज मल्होत्रा हमारे साथ है। मनोज मल्होत्रा, मोहित क्या अपडेट है बताइए? लगता है अपडेट फिलहाल वहां तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूं। शाहनवाज जी, ये जो बात दुष्यंत नागर कह रहे थे या फिर उससे पहले के वक्ता कह रहे थे कि राष्ट्रवाद की चाशनी में हर चीज को आप पिरो देते हैं, उसका आपको हरियाणा में नुकसान हो रहा है। शाहनवाज जी भी जा रहे हैं, वो फिलहाल हमारे साथ नहीं है। अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर जाएंगे, अमित शाह ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। मोहित, क्या ताजा अपडेट है बताइए? देखिए, हरियाणा सीएम ऑफिस से काफी बड़ी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि मनोहर लाल खट्टर को कड़ी फटकार लगाई गई है अमित शाह की तरफ से। और जो रिपोर्ट अमित शाह को मिली है कि गलत तरह से टिकट वितरण किया गया, जो मेहनती चेहरे थे जो काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे इलाके में पार्टी को खड़ा करने की, और जहां जहां पर बीजेपी कमजोर थी बीजेपी को आगे लाने की, उनको दरकिनार करके दूसरे लोगों को टिकट दिया गया। वो लोग बागी तौर पर निर्दलीय लड़े और उससे काफी नुकसान पहुंचा है पार्टी को। इसी वजह से पार्टी जो फिगर चाह रही थी, जो नंबर चाह रही थी, वो नहीं मिल पाए। इसी वजह से अमित शाह की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली तलब किया गया है और दोपहर 2 बजे तक मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंचेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनका जो चंडीगढ़ में सीएम हाउस के बाहर हेलीपैड है, वहां पर हेलीकॉप्टर तैयार है, अब से थोड़ी देर में मनोहर लाल खट्टर यहां से निकल जाएंगे। मीडिया से उन्होंने दूरी बना ली है, किसी भी तरह से जो मीडिया एडवाइजर हैं हरियाणा के सीएम के, वो भी अब बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है और पूरी तरह से सीएम ऑफिस ने चुप्पी साध रखी है। अब देखिए, गैप बहुत कम करीब आ गया है, 35 और 32 का ये टक्कर है। अब इसको टक्कर कहने में कोई गुरेज नहीं है। भूपिंदर सिंह हुडा की अगुवाई में कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर की सरकार को जबरदस्त टक्कर दी है और मुश्किल में खट्टर की सरकार है। अब ये तय है कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार अपने बूते फिलहाल तो नहीं बन रही। हुडा साहब के घर पर प्रियंका गाडपाल मौजूद है। प्रियंका, क्या माहौल है उधर? जी बिल्कुल, आपको ये कैंप ऑफिस की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किशोर। सबसे पहले तो सीढ़ियां जहां पर तमाम मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ऊपर हैं। और यहां से अगर आपको तस्वीरें दिखाएं कैंप ऑफिस की, कि कितना जोश अब कार्यकर्ताओं में यहां पर नजर आ रहा है। बाहर की तरफ आप देखेंगे कि अरेंजमेंट्स किए गए हैं, सुबह जहां पर इक्का दुक्का समर्थक भी नहीं दिख रहे थे,
अब रिजल्ट्स बढ़ने के जैसे जैसे रिजल्ट्स आगे आते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जोश लोगों में बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो बेहद खुश यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जहाँ भी आप देखेंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी दीपेंद्र हुड्डा के साथ ऊपर हैं। हमें ये बताया गया है कि इनका साफ तौर पर फिलहाल ये कहना है कि जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती तो जेजेपी से क्या बातचीत करनी भी है कि नहीं ये क्लियर नहीं किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखें तो खचाखच भरा हुआ है पूरा कैंप ऑफिस, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं। बाहर की तरफ अगर आपको किशोर तस्वीरें दिखाएं तो आप मैग्नीट्यूड का हिसाब लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नया जोश भरा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। यहाँ आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ पर आपको संख्या दिखाएं, जिस तरीके से सुबह जो हालात थे किशोर उसके बिल्कुल उलट अब नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये अंतर कम होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस के बाद में जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई थी, अशोक तंवर का पूरा मामला हो, उसके बाद एक तरीके से रीगेन किया है अपने कार्यकर्ताओं के बीच को, विश्वास को। यहाँ पर बातचीत अगर हम यहाँ करने की कोशिश करें, अब काफी कम रह गया है अंतर, क्या लग रहा है क्या होगा? सरकार कांग्रेस की बनेगी, जेजेपी और अन्य जो है मिलकर बनाओगे कांग्रेस की साथ सरकार। सीएम कौन बनेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौटाला जी नहीं, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम चौटाला जी यहाँ पर लोगों ने तैयार कर लिया, कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सीएम हुड्डा, अमिताभ सिन्हा बीजेपी को कवर करते हैं। अमिताभ सिन्हा क्या कहना चाहते हैं, क्या देखिए ये जनता से आई आवाज है, ये जनता से आई आवाज है, और जनता की आवाज ही जनार्दन की आवाज होती है। और कार्यकर्ता है भूपेंद्र हुड्डा का घर है। नहीं सर, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो तो जनता जी। जब दुष्यंत चौटाला के समर्थक बोल रहे थे कि दुष्यंत चौटाला सीएम बनेंगे, आपने कहा वो तो उनके समर्थक है, वो नहीं, समर्थक को कहना चाहिए। और हुड्डा साहब के समर्थक का भला चाहता चाहेगा, हुड्डा साहब समर्थक नहीं, वो जनता है सर। ये देखिए बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग हैं, जनता जनार्दन का रूप होती है। इनके मन में लड्डू फूट रहा है और अपने आप ही सीएम डिप्टी सीएम ये घोषित कर रहे हैं। जब तक आप आपका आपकी गेम कहाँ है, मैं वही बता रहा हूँ, गेम बताता हूँ। अभी 2009 वाली स्थिति है, आप कैलकुलेशन देख लीजिए। अभी जो गैप है उसको या तो जेजेपी पूरा करती है या निर्दलीय और इनेलो पूरा करती है। ऊट किस करवट बैठेगा वो देखिए, बीजेपी के हैं अभी, देखिए बीजेपी के बाकी हैं, अभी देखिएगा आईएनसी के भी दो हैं। आज शाम तक जाने दीजिए, ऊट किस करवट बैठेगा, राजनीति बड़ी टेढ़ी होती है। इनेलो 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 कैसे पूरा करेगी, दो सीटें हैं किशोर जी, दो सीटें हैं, तीन तीन, दूसरी बात अब तीन हुई है, लेकिन तीन दो दो गई, दो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो कोई बात नहीं, चलो तीन मान लो। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिएगा, शाम आते आते ये मुख्यमंत्री की लड़ाई थी, मैं मुख्यमंत्री, उसी वजह से सब कुछ हुआ है। अब आप ये देखिएगा, इसी लड़ाई की वजह से इनका गठबंधन नहीं होगा। मैं आपसे ये सवाल, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि शाम आते आते अगर आपकी एक रहेगी तो क्या करिएगा फिर? देखिए हम तो जनता का आदेश स्वीकार कर रहे हैं, जो जनता ने आदेश दिया है, जनता ने आदेश दिया कि जेजेपी अस्थिर आईएनडी है, नहीं जेजेपी अस्थिर आईएनडी है, दुष्यंत नगर ये तो स्पष्ट है, नहीं तो आप नहीं देंगे जनादेश नहीं दिया ये, आप पहले आईएनडी आईएनडी से अलग होकर जेजेपी बनी है, जेजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको भी बताई है। पहले आपको उम्मीद थी कि किशोर सर मनोहरलाल खट्टर की सरकार दोबारा नहीं आएगी, अब आप देख लीजिए, अब आपको उम्मीद है कि समीकरण, अब आपको उम्मीद है कि जेजेपी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, आप अपना कुछ लेके बैठे हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, उनके पास अपने दो हैं, तो सही किशोर सुनिए, तीन दो नहीं जाहिर है ये इसका कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ है? आप, मैंने कहा 2009 वाली स्थिति का, 2009 में क्या हुआ था, अभी आप ये देखिएगा, अभी ये परसेप्शन और ये लगाना एक्सपेक्टेशन करना कि कांग्रेस का गठबंधन होगा जेजेपी के साथ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं जेजेपी में नहीं हूं, लेकिन याद रखते हुए आप मुझे बता दीजिए ना कि क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी अन्य और इनेलो के साथ मिलकर शाम तक का इंतजार कीजिए, शाम इनके पास भी है, ऊट किस करवट बैठेगा अभी कोई नहीं, अगर मैं तो बोलूं शाम को उनके 13 हैं, जेजेपी के 13 हैं, आपके आपके दो, आपने 3 में ना 13 ना, तो जेजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है ना, हम है, लेकिन जो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति, आपका तो मुकाबला जेजेपी के साथ भी नहीं है ना, वो डिपेंड करता है सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका मुकाबला तो जेजेपी के साथ भी नहीं है, वो 13 सीटों वाले, आप एक या दो सीटों वाले, विपक्ष का अमीर जी, आप विपक्ष में है या आपका मुकाबला हमेशा पक्ष से होता है, विपक्ष का मुकाबला पक्ष से होता है, होगा क्या वो देखिए। दुष्यंत नगर अगर जनादेश को देखें तो हुड्डा जी के लिए लोगों का जनादेश है,
अब वो किसके साथ गठबंधन बनाते हैं, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, रिजल्ट आने दीजिए, कैसे नंबर किधर जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। अमिताभ जी आप पार्टी के अंदर क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते होंगे, अभी मुस्कुराते मुस्कुराते हुए कुछ कुछ बताएंगे, कुछ कुछ नहीं बताएंगे, तो कुछ कुछ जो बता सकते हैं वो बता दीजिए, बीजेपी में क्या हो रहा है। देखिए, उन्होंने जनता की आवाज की बात की है दुष्यंत भाई ने, लेकिन जनता की आवाज एक और चीज है किशोर, जो बड़े मार्के की है। राहुल गांधी के हटते ही दोनों राज्यों में कांग्रेस अच्छा कर गई है, पहली। लेकिन दूसरी बात, हरियाणा की राष्ट्र में तो अच्छा नहीं मान सकते, नहीं फिर भी लोग क्लीन स्वीप, बीजेपी 250 सीटें, बीजेपी 240 सीटें, वो अगर, रोका अगर, है तो अगर रोका है एनसीपी तो ने रोका है पश्चिम, वो भी पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर, तभी जनता की आवाज में बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात जो सबसे अहम है किशोर, बीजेपी भी थोड़ी ही है कि अब वो दोनों नेताओं ने ऐलान कर दिया हमारा सीएम डिप्टी सीएम, बीजेपी खाली तो नहीं बैठेगी। अमित शाह मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप जानते ही हो, तीन चीजें हैं, प्रकाश सिंह बादल, चौटाला परिवार से पुराने संबंध, उनसे संपर्क साधा गया है कि आप संपर्क करो, पुराने संबंधों की दुआई है। दूसरा, अमित शाह ने खट्टर को दिल्ली बुला लिया है, हो सकता है सीएम, अगर बीजेपी के ऊपर अगर खट्टर को सीएम बनाने को तैयार ना हो, क्योंकि एक एक तरह से तो फिर उस स्थिति में बीजेपी क्या, बीजेपी मानेगी क्यों नहीं मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? अगर आपके पास 40 सीटें हैं, 4-5 सीटें और चाहिए सरकार बनाने के लिए, बात सरकार बनाने की है। जैसे अमित शाह जो कहते हैं, हर चुनाव उनको युद्ध की तरह लड़ना है, जीते हारे आगे बढ़ते हैं। पर ये चुनाव युद्ध की तरह नहीं लड़ा गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भव्य जीत हुई 2019 के अंदर, उसके बाद ये नतीजे, उनको लग रहा था मोदी सरकार का कामकाज और खट्टर सरकार के कामकाज पे वो लोग चुनाव निकाल कर ले जाएंगे। थोड़े टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नाराजगी हुई थी, तो अब प्रभारियों को जवाब देना पड़ेगा, जो भी उनके प्रभारी थे। जी जी, उधर 100 का आंकड़ा हो गया है बीजेपी का अकेले महाराष्ट्र में, लेकिन 100 ही हुआ है, वो बहुमत वाला आंकड़ा नहीं हुआ जैसा अमिताभ कह रहे थे। इस मौके पर हमारे साथ हमारे 4 साथी मौजूद हैं, लपेटे में नेताजी में हमारे साथ रहते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि माहौल बिल्कुल ऐसा बन गया है कि कविता बहुत बढ़िया हो सकती है इसमें। कवि गौरव चौहान हमारे साथ हैं, आप किस पे हरियाणा पे सुनाएंगे? हरियाणा की स्थिति भाजपा का कोई है इसमें, पहले तो बता दें। है बिल्कुल है। कौन है आप? सरोज पांडे है। अच्छा अच्छा, ये लोग सब सुन रहे हैं, सुनिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ओवर था कॉन्फिडेंस लो उम्मीद टूट गई, ओवर था कॉन्फिडेंस लो उम्मीद टूट गई, लो दिन दहाड़े मोदी की बारात लुट गई। और हुड़ दबंग जैसा हुड्डा काम कर गए, हुड़ दबंग जैसा हुड्डा काम कर गए, हरियाणा में खट्टर की आज खाट उठ गई, हरियाणा में खट्टर की आज। दुष्यंत नागर जी, आप बहुत खुश हैं, लेकिन जनता फैसला करती है, जनता देश की मालिक है, मैं भी जनता हूँ, आपके पास सीट की कमी है, मेरे पास समय की कमी है भाई, आप पूरी करो। ठीक है, तो सुनिए सुनिए, देखो क्या भाव बढ़ा दिया आपने, एक पल में दुष्यंत चौटाला के भाव बढ़ गए। अब होगा क्या, बीजेपी कांग्रेस और लास्ट में क्या लिखा है, क्या लिखा है, जोर से बोलिए। अब सुनो, जो जुगनू है वो सूरजों का कष्ट हरेंगे, जो जुगनू है वो सूरजों का कष्ट हरेंगे, बाहुबली कटप्पा का अब पानी भरेंगे, बाहुबली कटप्पा का अब पानी भरेंगे, और बीजेपी कांग्रेस का कटोरा खाली है, ये अन्य वाले ही किसी को धन्य करेंगे, ये अन्य वाले ही। बड़ी खबर इसी बीच, बड़ी खबर सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की है, प्रियंका काटपाल हमारे साथ मौजूद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के घर पर, सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। प्रियंका, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फोन पर बातचीत की है, और साफ तौर पर सरकार की संभावनाओं को लेकर यह बातचीत की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि फ्री हैंड दिया है सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस की सरकार किस तरीके से हरियाणा में बनानी है उसको लेकर। फिलहाल भी यहाँ पर हम मौजूद हैं, अभी भी इंतजार जारी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सीट का मार्जिन जो है वो कम होता जा रहा है, वहां आपको दोबारा एक बार बाहर की तस्वीरें दिखाएं, जिस तरीके से सोनिया गांधी का एक फोन कॉल आया है, उसके बाद बूस्ट अप हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर, लेकिन फिलहाल भी इंतजार बना हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा अभी घर पर ही हैं, अभी भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा घर पर ही हैं। प्रियंका, खबर
दोनों कैंप ऑफिस में मौजूद है। अनुराग को अपडेट दे रहे हैं, अनुराग क्या अपडेट है बताओ, अनुराग दोबारा बताइए। बीजेपी के रामविलास शर्मा जो अभी तक लगातार लीड कर रहे थे, कांग्रेस आगे निकल गई है वहां पर, राव दान सिंह जिनको दागी उम्मीदवार कहा जा रहा था, सोनिया गांधी जिनकी रैली में नहीं जा पाई थी, जी राव दान सिंह आगे निकल गए। गैप अब कम होता हुआ, कांग्रेस 32 और बीजेपी 35। सरोज पांडे हमारे साथ हैं। सरोज जी हरियाणा के अंदर 45 का आंकड़ा छू लिया है कांग्रेस और जेजेपी को अगर देखें तो। सरोज पांडे, सरोज जी मेरी आवाज मिल रही है? ये आपका बीजेपी सरोजी, सरोजी सर शायद आवाज नहीं जा रही है, सरोजी की जगह शायद वहां पर अब कोई और प्रवक्ता आने वाला है। 35-32 का आंकड़ा चल रहा है, 35-32 किशोर, कांग्रेस और जेजेपी को अगर मिलाकर देखें तो पहली बार 45 का आंकड़ा छू लिया है। पहली बार हाफ पे मार्क पहुंच गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या जेजेपी कांग्रेस के साथ आएगी? आप जेजेपी के प्रवक्ता है? देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं, पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक मीटिंग होगी, सभी विधायक उसके अंदर मौजूद होंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, दुष्यंत चौटाला तय करेंगे? नहीं, वो तो आप INLD वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये कुछ भी कहें, आपको इतना देखिए देखिए बात है अमित जी, मेरे लहजे में मुख्यमंत्री की जिस वजह से पार्टी बनी, पूरी हरियाणा, पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई थी। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये अगर कर्नाटक को दोहराने की बात करेंगे तो कर्नाटक में फिर क्या हुआ, एक साल डेढ़ साल के अंदर वो भी देख लीजिए। एक स्थायी सरकार बनाने के लिए किस तरह का गठबंधन जरूरी है, उसके ऊपर जिसने भी बात करनी है वो इनको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, वो संभव होगा या नहीं होगा वो मैंने पहले भी कहा। अभी शाम तक ऊंट किस करवट बैठेगा आप देखते जाइए। निकित अब्बास हमारे साथ है, निकित अब्बास महाराष्ट्र के अंदर एक जीत है लेकिन अपने बूते पर बहुमत नहीं है, हरियाणा के अंदर एक सेटबैक है, राष्ट्रवाद की जो चाशनी पिलाई जा रही थी, बोला जा रहा था लगातार उस पर था, उसको भी एक सेटबैक लगा है। देखिए मुझे नहीं लगता अभी सेटबैक है, अभी सिर्फ रुझान आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल रुझान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 12 बजने को आ रहे हैं, 11:10 हो चुके हैं। अमीश जी हम फिर भी कहेंगे हमें लगता है हमें थोड़े वक्त और समय वेट करना चाहिए, 1.5 घंटे का और समय लगेगा, यहां 35 हो जाएगा उधर 32 हो जाएगा, वहां तक का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी और विकास की लहर को अब कोई रोक नहीं पाएगा, आप देखिएगा पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। लहर तो बीजेपी 44 तक पहुंच गई थी। नहीं लहर, आप जो अपनी बात कह रहे हैं मैं आपकी मान लेती हूं, मैं आपकी बात मान लेती हूं, की लीड निकलती जा रही है, आपकी बात मान लेती हूं, कांग्रेस की लीड बढ़ रही है हरियाणा में, मैं आपकी बात मान लेती हूं, अच्छी बात है। हमने तो पहले भी कहा है कि टक्कर की तो जरूरत है, दुबे रह गए कारण 75 पार की बात करते थे, कहां पहुंच गए ये देख लीजिए, विकास की कैसी लहर कैसी बही के वो उल्टा हो गई। देखिए और जो भाई कवि जी ने कहा कि अब अन्य ही धन्य करेंगे, ये बात तय है। आप तो कह रहे हैं कि आपका काम धन्य हो जाए, बस अन्य आपका काम धन्य हो जाए, 13 वाले बैठे रह जाए, 2 वाले निकल जाए। देखिए देखिए मस्तक पर सिंदूर का एक ही तिलक विजय पताका फहराता है, वो सिंदूर का तिलक अन्य के पास है, आप देखिएगा किसको लगेगा शाम तक। ये अन्य देखिए हमने तो हरियाणा में तो हरियाणा तो वो प्रदेश है जहां अन्य को छोड़िए पूरी की पूरी पार्टी एक दूसरी पार्टी में विलय हो जाती है, हो जाती है। हाँ तो आप तो दो ही सामने खड़ी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए अजगा हुई थी अजगा 2 कौन बनेगा हरियाणा में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सामने बीजेपी है, अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुला लिया है, क्या होगा अन्य का हाल, या आपके भी 3 विधायक कहां होंगे कुछ पता नहीं है, वही ऊंट किस कर में बैठेगा आप ही वाली बात। दुष्यंत चौटाला अमिश मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं, पता चला कि दुष्यंत चौटाला जी अकेले रह गए विधायक, भाई कुछ भी हो सकता है, अजगा 2 रिपीट हो सकती है। मेरे प्रदेश की मेरे देश की किस प्रकार की बातें लोकतंत्र के अंदर चल रही हैं, आप जनमत का सम्मान करने की बजाय कभी कोई तिलक की बात कर रहा है, कभी किस प्रकार की बात कर रहे हैं, नहीं आप कम से कम आप मैंडेट का तो सम्मान कीजिए, जनता ने किसको मैंडेट दिया, मैंडेट मैंडेट आप कह रहे मैंडेट मैंडेट बिल्कुल खिलाफ मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मैंडेट मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मैंडेट हरियाणा प्रदेश ने दिया है। और आज ये बात कर रहे हैं कि एक मिनट आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, मैंडेट बीजेपी के साथ है या नहीं है? नहीं आपने मनोहर लाल खट्टर पर सवाल पूछा, मनोहर लाल खट्टर पे के मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश ने मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मैंडेट, अच्छा और बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है? नहीं बिल्कुल लोग खुश नहीं है बीजेपी के काम से हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो कांग्रेस के फेवर में मैंडेट दिया है?
नहीं देखिए कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। देखिए हास्य का विषय बनता जा रहा है, कोई भी एक संपूर्ण एक सही जवाब कोई भी सटीक जवाब देना नहीं चाहता। आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, कोई डटकर अपनी ही पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। इन 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 इनके पक्ष में मैंडेट है, इनके पक्ष में ये तो बगल में आपके बैठे वैनिश वैनिश का वैनिश तो अभी शाम को कौन रिजल्ट आएंगे रिजल्ट आएंगे। दुष्यंत भाई की बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। हजका जननायक जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर किशोर, और सबसे खास बात यह है कि आज सुबह जब हम लोग दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन अब जननायक जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद हो गई है कि अब तो ताऊ देवीलाल के पोते की है जेजेपी, ताऊ देवीलाल के तो उत्तराधिकारी ये हुए। राजनीति में कोई ताऊ देवीलाल को हरियाणा तक सीमित नहीं रखा, इंडियन नेशनल लोग लोगों ने बिल्कुल दुष्यंत जी को माना हरियाणा प्रदेश के लिए सही और उनके पक्ष में मैंडेट दिया। दुष्यंत चौटाला के पास सत्ता की चाबी है, उनके दफ्तर के बाहर जस्ट इनेलो के दफ्तर के बाहर सन्नाटा, और जेजेपी के पास सत्ता की चाबी है। बीजेपी और कांग्रेस किसकी तरफ जाएगी जेजेपी, ये देखने वाली बात होगी। अब 35-32 गैप कब होता हुआ बीजेपी के बागी की तरह है आईएनएलओ के आईएनएलडी के दो विधायक इस समय जीत रहे हैं ये खबर है, तो कैंडिडेट इस समय जीत रहे हैं, और जेजेपी के 13 उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जेजेपी से ही कह रहे हैं कि मैंडेट मनोहर लाल खट्टर को नहीं मिला है, कांग्रेस भी पीछे रह गई है, जेजेपी को मैंडेट मिला 13 सीट से, जेजेपी को कैसे मैंडेट मिल गया? स्पष्ट तौर पे हम कह देते हैं कि क्लियर मैंडेट हमें भी नहीं मिला, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दो जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप को इतना बड़ा बताती थी चुनाव के अंदर, हमें कहीं गिनती नहीं थी, उनको भी आईना दिखाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया। तो आईएनएलडी के साथ हुआ है, वो जेजेपी का मैंडेट नहीं मान सकते, वो खट्टर का मैंडेट नहीं मान सकते और कांग्रेस का नहीं मान सकते, अब वो कह रहे हैं कि अन्य का मैंडेट मान रहे हैं, वो अब पता नहीं कौन सा मैंडेट मान रहे हैं। दुष्यंत नागर जनता ने आपको जवाब दिया, दुष्यंत नागर देखिए जो मेरा आकलन ये है कि खट्टर साहब के नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है, जेजेपी को और कांग्रेस को मिलकर सरकार बनाने की कवायद करना चाहिए, जनता का ऐसा इशारा है। आप उसमें ये आपका इशारा है? नहीं नहीं, जनता का भाई, मैं तो वोटर भी नहीं हूं। सपने नहीं है, किसको करना चाहिए? देखिए देखिए अमीश जी, ये एक नई चीज रंजीता रंजीता झा ये की बनानी चाहिए और ये मैंडेट जनता का करार दिया जा रहा है। रंजीता मेहता हमारे साथ है, रंजीता रंजीता जेजेपी और कांग्रेस को एक साथ आना चाहिए, अगर दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना पड़ता तो कांग्रेस तैयार होगी? रंजीता देखिए जहाँ जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी जेजेपी के साथ कांग्रेस की बात चली थी गठबंधन के लिए, पर किन्हीं कारणों से वो गठबंधन नहीं हो पाया था, और निश्चित तौर पे अब जब सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, तो जो भी पार्टी कांग्रेस में आस्था दिखाएगी, जो भी इंडिपेंडेंट लोग अपनी आस्था दिखाने की बात नहीं है, उनको ये तो सरकार में आस्था है, अगर सीएम आप दुष्यंत को बनाते हैं तो वो आपके साथ आ जाएंगे एकदम, नहीं बनाते थे विचार करेंगे? चलो वो जो जो वो जो जो वो बार्गेन है वो तो निश्चित नेतृत्व करना है, पर मान रहे बार्गेन तो होगा। हरियाणा की जनता आज शैलजा जी के नाम पर हुड्डा जी के काम पर मोहर लगा चुकी है, और जिस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, आज चत्तर पार का नारा आज कुछ कह रही है बीजेपी वालों को। पहला नतीजा आ गया है, पहला नतीजा आ गया है रुझानों में, पहला नतीजा। जी बताइए अनुराग, पहला नतीजा आ गया अमीश महाराष्ट्र से, जी बताइए किसका है? नंदूरबार से बीजेपी के विजय कुमार कृष्णराव गावित 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। 60,000 वोटों से बीजेपी के फेवर में गया है पहला नतीजा महाराष्ट्र से, विजय कुमार गावित 60,000 वोटों से जीते। नंदूरबार में एक तरफा जीत होती है और अब वे गावित फैमिली के बाद विजय कुमार गावित बीजेपी के साथ हैं, तो बहुत बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव में 60,000 की जीत बड़ी मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन है। पहला आगे चल रही है बड़ी खबर जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला आगे चल रहे हैं। देखिए इस पूरे इलेक्शन के अंदर जेजेपी ने अपना लोहा मनवाया है कि चौधरी देवीलाल की, ताऊ देवीलाल की जो उत्तराधिकारी है वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, इसमें अब कोई दो राय नहीं बचा है। जब परिवार में दो फाड़ हुआ उसके बाद चुनाव लड़े तो आईएनएलडी को नुकसान,
और जेजेपी जो नई पार्टी बनी, बड़ा फायदा और सत्ता की चाबी उसके पास है। क्विकली मैं अमिताभ का भी रुख कर सकता हूं। अमिताभ मेरे साथ शिवसेना के एक सांसद भी हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। अमिताभ, अब महत्वपूर्ण यह कि महाराष्ट्र में उस तरह का मैंडेट जो बीजेपी को उम्मीद थी कि अपने बूते पर सरकार 140 खुद के पार, 135 खुद के पार, वैसा नंबर नहीं आ रहा। आखिरी में मुझे एक सेकंड, संजय राउत का बयान आ रहा है, कुछ सुनते हैं। उद्धव जी से बात होगी। हाँ जिस तरह से रुझान आ रहे, सर जिस तरह से रुझान आ रहे, उसके ऊपर क्या कहना सर? अमिताभ, अमित, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप आखिरी समय, तुम्हें याद होगा कि शरद पवार पर जो केस हुआ था, उन्होंने मार्च करने का कह दिया था, मैं ईडी ऑफिस मार्च करूंगा। हो सकता है पश्चिम में, आपने देखो बहुत अच्छा किया एनसीपी ने, तो महाराष्ट्र में हो सकता है मराठी वोट जो है ना उसके नाम पर थोड़ा बंटवारा चुनाव के समय हो गया, वो कंसोलिडेट कर गया हो, तो एनसीपी इस बहाने अच्छा कर गई है। तो हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान हुआ हो, थोड़ा जो एग्रीजन क्राइसिस था उसको कम करने में मदद मिली। तो दो चार चीजें हैं जो फैक्टर हो सकते हैं कम होने में, लेकिन दोनों मिलजुल कर तो हो ही गया है कि बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, अगर मांगेंगे तो डिप्टी सीएम मिल सकता है। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा मुश्किल है। हरियाणा मुझे लगता है टिकट बंटवारे से लेकर और थोड़ा नहीं, अब होगा क्या हरियाणा में? हरियाणा देखो, अगर अमित शाह ने अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं, अगर जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, खट्टर को तलब किया गया है, तो जाहिर तौर पर कोई रणनीति बन रही होगी कि सरकार बनाने के मौके को हाथ से जाने न दिया जाए। कायदे से गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने के मौके को हाथ से जाने न दिया जाए, या कांग्रेस को फिर से सरकार बनाने न दी जाए, दोनों बातें। कर्नाटक फॉर्मूला देख चुके हैं ये, इसीलिए इस बार कहते हैं ना, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी बीजेपी। पर अगर दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस सीएम बना देगी, जो अगर ऐसा होता है जो फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में बीजेपी क्या करेगी? देखिए, रास्ते तो तलाशेंगे, अभी शाम तक देखते हैं, जब फाइनल टैली आ जाती है जी जी जी, तब उसका इंतजार बीजेपी के नेता भी कर रहे होंगे। नवीन कुमार बने हुए हैं, मैं सीधा नवीन कुमार का रुख कर सकता हूं। नवीन, हरियाणा के अंदर 75 पास से पार से 45 पार भी नहीं पहुंच रहे आप। अमीश भाई, हरियाणा के अंदर हम अमीश पहले तो अधिक सीटों से जीत पहले आ रहे हैं, और दावा करता हूं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ मिलकर के सरकार भी बना रहे हैं। लाइक माइंडेड कौन है आपके साथ? आपके साथ लाइक माइंडेड कौन है? ये आपको नजर आ जाएगा किशोर भाई, इसमें बहुत लंबा सोचने की बात नहीं है। हरियाणा यानी अभी 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 माइंड अभी लाइक माइंडेड नहीं है, लाइक माइंडेड बना लेंगे आप? नहीं नहीं, मैंने कहा बड़ा आसानी से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। किसके साथ किस... आपने कहा लाइक माइंडेड, कौन लाइक माइंडेड है? जो जेजेपी, जो लोग हरियाणा का विकास चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हरियाणा को जिस प्रकार से खट्टर जी ने एक विकास के राह पर लेके गए हैं, उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग चाहते हैं हरियाणा के किसानों का विकास, को तो रिजेक्ट कर दिया ना यहाँ पर खट्टर जी, हवाई में 35 सीटें आ रही हैं, 75 पार का नारा दिया था, 35 आ रही है, क्या करेगा? और दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि मनोहरलाल खट्टर ने विकास नहीं किया। जब जो है ये परिणाम में आएंगे, तब आपको लगेगा कि 35 नहीं, इससे ज्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि 44-45 के आसपास सीटें आनी चाहिए हमारी। दूसरी, फिर भी मैं ये एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि इस जब ये परिणामों में तब्दील हो जाएंगे, तब इसके साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ से भी, परिवार से भी लोग निकल करके दूसरी जगह गए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी जीते हुए हैं। सबके सब चाहते हैं कि विकास हो हरियाणा का। हरियाणा को लूटने वाले लोग नहीं चाहिए, हरियाणा को दामाद जी को जमीन बेचने वाले लोग नहीं चाहिए, हरियाणा में लोग वो चाहिए जो हरियाणा के लोगों के बारे में सोच सके। ये कैंपेन तो हो गया ना, उस कैंपेन का रिजल्ट ये आया कि आप 35, कांग्रेस 32, अन्य 23। किशोर भाई, अभी तो ये फाइनल रिजल्ट टैली नहीं है ना, फाइनल टैली आने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको यही परिणाम बहुत अधिक नजर आएंगे। ये परिणाम जो आप अभी 35 बता रहे हैं, ये 45 बोलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट मेजोरिटी सरकार बनाने वाली है। और दूसरी बात, अभी मुझे कोई देखिए, दो दिलचस्प चीजें हैं। बीजेपी वाले बार बार टैली की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लाइव रिजल्ट हब से वो तमाम गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हलचल हो रही है बीजेपी में। योगेश्वर दत्त बीजेपी के स्टार हैं, प्लेयर थे और बहुत पॉपुलर प्लेयर हरियाणा में, वो पीछे हो गए हैं अपनी सीट से। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी एज अ पार्टी बहुत मुश्किल में है हरियाणा में। हमने कुछ सीटें डिसाइसिव जहां पर मार्जिन हो गया है किशोर, वो हमने निकाल ली है। उसमें अगर देखें तो बल्लभगढ़ से बीजेपी डिसाइसिव मार्जिन है, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर कांग्रेस डिसाइसिव मार्जिन से आगे हैं, बादशाहपुर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस है। और अगर इस तरीके से अगर देखें तो चार सीट पर बीजेपी डिसाइसिव मार्जिन लिए हुए फिलहाल,
कांग्रेस 3 सीट पर डिसाइसिव मार्जिन लिए हुए, जेजेपी 3 सीट पर डिसाइसिव मार्जिन लिए हुए और इंडिपेंडेंट 3 सीट पर, यानी 4 बीजेपी के फेवर में और 9 बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिख रही हैं सीटें अभी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्यों दिल्ली ने खट्टर को तलब किया, 63,000 वोट से जीते थे पिछली बार किशोर, इस बार सिर्फ 15,000 की लीड चल रही है, आधे राउंड हो चुके हैं, आधे से ज्यादा राउंड हो चुके हैं और अभी सिर्फ मनोहरलाल खट्टर की अपनी लीड सिर्फ 15,000 है, पिछली बार की लीड से कम है। पिछली बार याद रखिए जब मनोहरलाल खट्टर जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो सीएम चेहरा नहीं थे, जब वो एक विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो उनका मार्जिन बहुत हाई था, अब मार्जिन उससे कम हो रहा है जब वो सीएम रहते हुए अपनी सीट से लड़ रहे हैं। प्रतीक के पास चलते हैं, एक बार पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस खासकर हरियाणा के नतीजे को देखकर। महाराष्ट्र में तो बननी थी सरकार, बन रही है, हालांकि वहां पे भी वैसा स्वीप नहीं है, लेकिन हरियाणा जो है फंस गया है, चाबी जेजेपी के पास है। प्रतीक जी, अभी कुछ थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे तो कोई बता रहा था, देखिए साहब कैसा हार बन गया है, पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर नक्शे को ध्यान रखे तो बीच में हार वही आ रहा है। तो मैं देख रहा था, सुन रहा था, लोगों की बातें भी सुन रहे थे, धूप तेज है, लेकिन उसके बावजूद 2-4-10 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ है, कौन से मुद्दे हैं जिनको कि अनदेखा हो रहा है, या वो कहीं ग्राउंड लेवल पे मुद्दे मौजूद हैं जिनको कहीं नजर नहीं जा रही है। तो ये निश्चित तौर से, ये चाहे आप चुनाव पे जो भी बात करें, परिचर्चा करें, लोगों को प्रभावित मुद्दे ही करते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तमाम सारी बातचीतें हैं। जी, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, अब आ गया नंबर आपका भी, एक घंटे से बैठा हूं सर, एक घंटे से इंतजार कर रहा हूं। चलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप, आपकी क्या विश्लेषण है, जनता है, पहले काम क्या करते हैं ये बताइए। सर मैं मार्केटिंग में हूँ। मार्केटिंग में तो सर बहुत अच्छी बात कहेंगे आपके, बोलिए। सर मैं तो गुड़गांव ही देखता हूँ, और जहाँ तक मैं देखा वहाँ पे मैं लोगों से चर्चा भी करता था, लेकिन वहाँ पे 90% लोग बीजेपी का सपोर्ट करते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी कमी, डोर टू डोर इन्होंने कैंपेनिंग नहीं किया, और इन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर के काफी इन्होंने मतभेद रहा, और जो टिकट बंटवारे को मतभेद का जो इन्होंने अलग से चुनाव लड़ गए उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा विश्लेषण करते हैं, अगली बार बुलाएंगे आपको, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सर, ये पहली बात तो कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से वो कैंपेनिंग नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। कांग्रेस यहाँ पे क्या करती है, कांग्रेस चले भले पार्टी में रहे या न रहे, उनका 2 ही कार्यकर्ता क्यों ना, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के सुनते भी नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर पाया, इसलिए बीजेपी को बहुत काफी नुकसान हुआ। बस अब क्या कहना, मतलब जनाब सब लोग मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला क्या, जी शाम को बोलेंगे कि अभी बोलेंगे? अब ये बोलेंगे तो बोल लीजिए, हम तो सोचे भैया जी कहीं में बोले, लेकिन चलो बोलो। ऐसा है, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, लेकिन हर चीज को तो ये निकल के क्यों बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, पहले तो आप बहुत चहक रहे थे। सर ये सबसे पहले इसको बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले लेना चाहिए, और ये नहीं इधर का उधर का उधर का मुद्दा ले रहा है। अगर ऐसे 370 नहीं चल रहा क्या? क्या 370? वो सब तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी सबसे पहले, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा है मजदूर को। अच्छा? बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दीजिए ना आप लोग, सर बेरोजगारी पे पूछिए नेताजी से, बेरोजगारी कब दूर होगा। हाँ जी, हाँ 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 बताइए, इनको बताइए बेरोजगारी क्या चीज का, काम करके तो खाओ, चलो रोड पे कमाओ खाओ, क्या चीज का बेरोजगारी है, काम करो के खाओ, आपको बेरोजगारी इस चीज में जो 2 नंबर धंधा करते थे वो धंधा का आपको 5 पोजीशन नहीं निकल रहा है, वो बेरोजगारी हो गया, वो गलत धंधा था, आप मेहनत करो और खाओ, मेहनत करने में कोई बुराई बात नहीं है, बेरोजगारी कहते हो जो, ठीक है भाई, बड़े शॉर्ट जी जनाब क्या विश्लेषण आपका कहता है? देखिए इसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है, परिणाम एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होता रहा है, महाराष्ट्र का परिणाम तो ये बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का लाभ भी विपक्ष नहीं उठा पाया, हरियाणा में ये जो कुछ परिणाम आया है इसका श्रेय जितना कांग्रेस को दिया जा रहा है उससे अधिक केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ओके बात, वो नेता तो उन्हीं के हैं जनाब। ये तो हरियाणा की हमेशा से रिवाज है, ये एक दफा सरकार के बाद दूसरी मरतबा, हरियाणा में कहावत कही जाती है रोटी जो है तावे पे पलट दी जाती है वरना जल जाती है। नहीं, हकीकत बात है ये, ठीक है वहाँ नहीं करते, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन कहा तो ये क्लियर हो गया, न्यूज 18 ने जो उनका रीजनल वहाँ चैनल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो जो उसका आ रहा है परिणाम, वो जो दे रहा है उससे लगता है
कि वहां खट्टर सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई, अब केवल कांग्रेस और जेजेपी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रतीक जी, हुआ क्या था, बीजेपी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो हरियाणा में ठीक से लागू, सबका विश्वास वो हरियाणा में ठीक से लागू नहीं हो पाया। क्यों? जो भी रणनीतिकार थे वो ये आकलन करने में फेल हो गए कि जाट बहुसंख्यक है वहाँ, उनको भी मिला के चला जाए। जब वो तो जात पात की वो कहते हैं, हम तो राजनीति नहीं करते ना जी, उसमें जिनके हाथ में नेतृत्व था पूरे मन से कई बार जाटों का। जी 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 जी, वांट टू से समथिंग। हाँ जी प्रतीक, हमारे साथ शिवसेना के सांसद जुड़ गए हैं धैर्यशील माने, उनका रुख करना पड़ेगा। माने साहब माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन जिस नंबर की आपको उम्मीद थी वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी टाइम बाकी है, रुझान जैसे ही आ रहे हैं निश्चित रूप से महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन अब की बार 200 पार का जो नारा था हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, उस पे ग्रहण लग गया है। नहीं, अभी 200 का आंकड़ा दूर है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी भी बहुत सारे ऐसे मतदार संघ है जिनका गिनती अभी भी प्रोसेस में है। अगर अच्छा, आप अन्य का भी आंकड़ा देखें सीएम तो बनाने का सपना फिलहाल जो अन्य के खाते में रखा है या फिलहाल उसको होल्ड पे डाल दिया है। नहीं, सपना तो सारे शिव सैनिक वो देख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसका निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमांड आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब और श्री अमित जी शाह साहब लेंगे। अभी तो उसके लिए टाइम बाकी है, उसमें पता चलेगा। उसमें टाइम बाकी है, उस पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अनुराग ढांडा के पास अपडेट है, 35-32 हरियाणा का नंबर, 35-32, 35 बीजेपी 32 कांग्रेस। देखिए अनुराग, अमीश, महाराष्ट्र से दूसरा रिजल्ट आ गया है, महाराष्ट्र से दूसरा रिजल्ट आ गया है अजीत पवार की सीट से। जी क्या रिजल्ट, कितने वोट से जीते? जी अजीत पवार बारामती से लीड है, विनिंग मार्जिन उन्होंने क्रॉस कर लिए। जो इन्फॉर्मेशन वोट बचे हैं उससे ज्यादा उनकी लीड हो गई है, उनकी लीड हो गई है, करीब 60,000 वोटों से आगे निकल गए हैं वो। अच्छा मार्जिन है, अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार भतीजे हैं शरद पवार के, डिक्लेयर करते हैं उनकी बड़ी जीत हो रही है। 60,000 वोट से वो जीत रहे हैं बारामती से। एनसीपी ने अपना किला को बचाया, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, एनसीपी ने अपने किले को बचाया है, लेकिन कांग्रेस उतनी मुस्तैदी के साथ महाराष्ट्र में नहीं लड़ी है। अगर कांग्रेस उतनी मुस्तैदी से लड़ती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अच्छी लड़ी है चुनाव, रोका है रथ, लेकिन यहां बीजेपी के लिए एक राहत, 36 में बीजेपी का नंबर पहुंच गया है, लेकिन बीजेपी की सीटें अटक सी गई हैं, अटक गई है भारतीय जनता पार्टी। निगत अब्बास, देखिए आप कह रहे हैं अटक गई है, मैं ये कह रही हूँ कि महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा सरकार बनेगी बिल्कुल गठबंधन के साथ ही बन रही है। रही बात हरियाणा, हरियाणा की मैं वही आ रही हूँ कि रही बात हरियाणा की, जैसे कि हमारे प्रवक्ता भी कह रहे हैं और हमने ये बात बिल्कुल डटकर अभी भी कह रहे हैं कि 45 सीटों तक हमारी आएंगी और सरकार देखिएगा हरियाणा में हम भी बनाएंगे, खट्टर जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। खट्टर कहाँ से बनेंगे, जेजेपी खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए नहीं, देखिए अमित जी, मैं आपको एक चीज का, ना सिर्फ खट्टर जी, आप उनके मार्जिन की बात कर रहे थे, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, कर्णदेव कंबोज, कृष्ण बेदी, कैप्टन अभिमन्यु, कोई एक मंत्री और बड़े बड़े मार्जिन से ये लोग हार रहे हैं। सरकार ने सिर, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सरकार को सिरे से नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है। खट्टर सरकार को तो नकार दिया, सब मंत्री चुनाव आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आ रहे हैं, कि नहीं कोई आप 1,000-2,000 से चुनाव को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, 20,000 से चुनाव आ रहा है, लेकिन फिर भी जो भी निर्णय नीरज के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। हां नीरज बताइए, नीरज 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 बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे खड़े हैं, वो जेजेपी के दफ्तर पे खड़े हैं। नीरज क्या जानकारी है, ये वहां पर ये शोर शराबा क्यों है? नीरज आवाज नहीं आ रही आपकी। नीरज जी, नीरज तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही, नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अनुराग, अनुराग, अनुराग मुंडे अपना चुनाव हार रही है। हाँ, पंकजा मुंडे पीछे चल रही है। जी अनुराग बताइए, महाराष्ट्र में देखिए किशोर, हमारे पास अब लेटेस्ट नंबर इस बात के हैं कि कितना रिजल्ट बदल सकता है, जो ये रुझान दिख रहे हैं ये रिजल्ट तक जाते जाते कितनी सीटों में बदलाव आ सकता है, और कुल मिलाकर 7 सीटें ऐसी हैं
जो क्लोज मार्जिन पर चल रही हैं, जिनमें से सिर्फ दो बीजेपी की ऐसी हैं जिनमें बीजेपी की लीड चेंज हो सकती है, यानी बीजेपी की जो अभी नंबर्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जेजेपी की सिर्फ एक सीट ऐसी है जिसमें वो पीछे हो सकते हैं, बहुत क्लोज मार्जिन से चल रहे हैं, जिसका मतलब ये कि जेजेपी किंग मेकर होगा, ये कंफर्म है, सरकार कोई भी पार्टी बनाए। कांग्रेस अभी भी तीन चार सीटें ऐसी हैं कांग्रेस की जो क्लोज मार्जिन पर हैं, यानी कांग्रेस की सीटों में बदलाव आ सकता है थोड़ा बहुत, या लेकिन बहुमत जो है वो किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा जी, ये बिल्कुल क्लियर है। श्याम जाजू हमारे साथ इसी मोड़ पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जी, उनके पास भी हम रुक करेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे, स्क्रीन पर हमें दिख रहे हैं। पहले नीरज के पास जाना पड़ेगा। नीरज, उस समय क्यों इतना शोर मचा हुआ था दुष्यंत चौटाला के कार्यालय पे, कुछ बड़ी अपडेट है क्या वहां से? क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो आज के हीरो हैं वो निकले थे अपने कमरे से, क्योंकि बार बार वो मतगणना केंद्र पे जा रहे हैं और बार बार अपने घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि मतगणना केंद्र पे उछान कला से वो खुद चुनाव मैदान में उतरे और कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं कि अमीश यहाँ सुबह में कोई भी व्यक्ति नहीं था, सुबह जब 5 बजे हम लोग आए थे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पार्क में लोग कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं, इधर पूरी गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, गाड़ियों का काफिला है, और सुबह में जब 5 बजे यहाँ न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची थी एक भी कार्यकर्ता नहीं था, कोई लड्डू की तैयारी नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ता भी वहीं पहुंच गए होंगे, चौधरी देवीलाल के यही है वंशज, इन यही आगे बढ़ाएंगे पॉलिटिकल सिनेरियो उनका। जी 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 नहीं, पर ये तो बदल गया, ऊपर घड़ी की सुई है घूमती है, वक्त नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है, ये तो कार्यकर्ता नहीं घूम गया, नहीं कार्यकर्ता तो घूम गया, और वोट कार्यकर्ता नहीं घूमा, आप ये देखिए अमित जी घूमी ना, अमित जी ये देखिए कि बीजेपी का ग्राफ गिरा, बीजेपी का ग्राफ गिरने की वजह से बीजेपी के वोट गए, हम तो देखिए पार्टी के दो फाड़ हुए, पार्टी के दो फाड़ में एक धड़ा उधर चला गया, एक धड़ा हमारे पास, बावजूद उसके ये कहते आप ही के धड़े की बात कर रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं एक तीन लोग आप जेजेपी की जीत क्यों नहीं मान रहे? शाम को हम तो जेजेपी को मैंने आते ही बधाई दी कि अच्छी परफॉर्मेंस दी, बधाई है, लेकिन आप ये देखेगा कि शाम होते होते चाचा भतीजा अब एक होंगे कि नहीं होंगे? देखिए परिवार एक पहले भी था आज भी है, परिवार अलग नहीं हुआ, राजनीतिक पार्टी अलग हुई है, परिवार को कभी भी राजनीतिक मंच पर ना लेके आए, वो मेरी इच्छा रहती है और वही समाज भी चाहता है। और जी 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 बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाम जाजू जुड़ रहे हैं, जाजू साहब महाराष्ट्र में जीत की आपको बधाई, जीत हो रही है, लेकिन जिस तरह की आपको जीत की उम्मीद थी, आप 200 पार, बीजेपी खुद 130-140 पार, वो नहीं हो रहा, हरियाणा में तो खट्टर साहब को नकार दिया जनता ने। हरियाणा में सबसे बड़े पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है, आज भी सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को है। हरियाणा का जो नेचर है, हरियाणा की अस्थिर राजनीति के लिए हरियाणा आज तक मशहूर है, आया राम गया राम की राजनीति वहां से शुरू हुई है, तो पहली बार हरियाणा ने स्थिर सरकार, एक पारदर्शी सरकार मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने दी है, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभरे। हाँ एक बात सही है कि जितनी हमें उम्मीदें थी उसमें हम गलत बात लगता है जो ये बात बोल रहे हैं, गलत बात श्याम जाजू, लेकिन आप की जो सरकार वहां पर थी उसके काम को नकारा हरियाणा की जनता ने, ये तो दिख ही रहा है हमें, 36 सीटें हैं बीजेपी की, ऐसा है हरियाणा, ये कभी हरियाणा आज तक भारतीय जनता पार्टी का कभी गढ़ नहीं रहा है, तो फिर 75 पाए काहे नारा दे रहे थे आप लोग? पिछले टाइम भी जब हम 47 सीटें जीते थे उसके पहले हमारी 4 सीटें थी, प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते थे हरियाणा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले, आपने कहा 75 पार, श्याम जी बोल रहे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, हरियाणा नहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बारी बहुमत दिया, काम करने का मौका दिया, अब ग्राफ गिरा तो वो भी हरियाणा के ऊपर थोप रहे हैं, अपनी सरकार को नहीं कोसते कि उन्होंने काम नहीं किया, हरियाणा जलाया, रोजगार नहीं दिया, और जिस तरीके से आया राम गया राम बोल रहे थे, आया राम गया राम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस भी पार्टी का आया जो आया सबको ले लिया, और वही इनका कारण बना, इनकी अंदरूनी जो भीतर घात हुआ है, जो इनके बागी हुए उन्होंने ही बीजेपी को इस तरीके से गिरा दिया है। श्याम जाजू, आप तो दिल्ली के प्रभारी भी हैं, हरियाणा से सटा हुआ है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है हरियाणा, अरविंद केजरीवाल ये नतीजे देख के खुश हो रहे होंगे, इतनी मजबूत स्थिति में आप थे लेकिन आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल ली भूपिंदर हुड्डा ने, आप क्यों नहीं आप लोग मानते? जहां तक दिल्ली का सवाल है, हराती भी है, दिल्ली का सवाल जहां तक है, दिल्ली की जनता ने 5 साल का केजरीवाल जी का काम देखा है, जो सादगी और शुचिता की बात करके केजरीवाल जी आए थे
और उसके बाद गए 5 साल का जो परफॉर्मेंस है, निश्चित रूप से ये देश में पहला उदाहरण है जिनका पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना जल्दी नीचे आया। राजू जी, आपने अपनी डायरेक्शन अरविंद केजरीवाल पर कर ली। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल खुश हो रहे होंगे आज आपके हरियाणा के नतीजे देख के, आपका जो हश्र हुआ है हरियाणा के अंदर। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लेकिन सरकार बनाने से दूर है। खबर ये मिल रही है कि जेजेपी को उप मुख्यमंत्री पद का कांग्रेस ऑफर कर चुकी है, मुख्यमंत्री की जेजेपी डिमांड कर रही है। कहीं बात बन गई तो कर्नाटक रिपीट हो जाएगा। साल के लिए सही, 1.5 साल के लिए सही, 2 साल के लिए सही, सरकार दूसरी बन जाएगी, क्या करिएगा आप? आप कह रहे थे कांग्रेस की हालत खराब है, इस खराब को हालात वाली कांग्रेस ने आपको हरियाणा में रोका है सरकार बनाने से। कहीं तो कुछ कमी रही होगी आप लोगों की, या जीत का अहंकार ऐसा था कि ठीक है जनता तो हमारे साथ ही है, फॉर ग्रांटेड ले लिया उसको। हमारे उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट क्यों नहीं आए इसका हम इंट्रोस्पेक्शन जरूर करेंगे, पर आज भी हरियाणा की जनता ये सोचती है, समझती है। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार हमने दी, हरियाणा का विकास हमने किया और जनता हमारे साथ है। सबसे बड़े पार्टी के रूप में मनोहर लाल खट्टर जी को तो रिजेक्ट करा है। वो लास्ट टाइम अपनी सीट 60,000 से जीत रहे थे, इस बार 14-15,000 से जीत रहे हैं, 36 सीटें रह गई हैं, आप कह रहे एक्सेप्ट करा है। वही मैं कह रहा हूं कि कुल मिलाकर उस लेवल की हम बात कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे और हम ही जीत रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर को एक्सेप्ट करा है, जबकि जनता ने वो नहीं करा है। राजनीति में हार जीत चलते रहती है, सीटें कम ज्यादा चलते रहती है। तो ये हार है कि जीत है? नहीं, हम हार नहीं मानते इसको। हमने अपने परफॉर्मेंस के आधार पे, हरियाणा ने जिस प्रकार के हमने अपने गढ़ बनाया है, हमने पाव रोए हैं वहाँ पे, 4 से 47 हुए, यही अपने आप जीत थी। 10 के 10 लोकसभा सीटें जीती, ये अपने आप में कमाल था। इस बार जो सीटें तो कम आई है, वो कमाल मोदी जी का था। तो इसका कमाल मोदी जी का था, वो आज भी दिख रहा है। ये 36 भी नरेंद्र मोदी की वजह से सीटें आपकी, ये 36 भी मोदी की वजह से सीटें आपकी। इसका इंट्रोस्पेक्शन हम जरूर करेंगे। आपके अपने बलबूते क्या आया, खास तौर पर जहां पर लोकल लीडरशिप की बात आई, आपके तमाम बड़े नेता हरियाणा में चुनाव हार रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु हार रहे हैं, सुभाष बराला हार रहे हैं, रामविलास शर्मा हार रहे हैं, मनोहर खट्टर का मार्जिन कम हो गया है, ओपी धनकर अपना चुनाव हार रहे हैं। जी जी अमिताभ, सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को कहा है कि जेजेपी पर ज्यादा हमला न करें, कांग्रेस पर ही निशाना साधे रखें। जी तो मामला है, बन रही है बात, जेजेपी पर हमला नहीं करना है। अब सब लोग यही कह रहे, कांग्रेस ने भी यही कहा होगा कि जेजेपी पर कोई हमला नहीं करेगा। प्रवक्ता ही नहीं आते, नहीं अब तैयारी कर रहे होंगे ना, अब उनको लग रहा होगा चला जाए। अरे 35-33 हो गया, 35-33 हो गया, सिर्फ 2 का मार्जिन है, 2 सीटों का गैप। मैं छोटा सा ब्रेक, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्या हुडा, ब्रेक के बाद मामला पलट देंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान आप नीचे की पट्टी पर नजर रखिएगा, ये 35-33 कहीं पलट ना जाए। लौट रहे हम।